सो yeah. इनकेस so uh, अगर आप लोग कुछ भी um, भूल गए हो राइट चेक इफ एवरी थिंग रिकॉर्डिंग की ना बड़ी टेंशन रहती है ओके सो या रिकॉर्डिंग हो रही है अल्लाह का शुक्र mm -hmm. ओके, okay. सो <coughs> <So>, जी सो <coughs> so, मैं ये कह रहा था आप लोग को के अगर आप लोग को जी मैं ये अनाउंस कर चुका हूँ टुडे सेशन इज फॉर शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग कोई भी मसला आ रहा है कहीं पे जो भी चीजें सिखाई हैं उनको एग्जीक्यूट करने में मसला आ रहा है या कोई भी मसला है तो प्लीज आप लोग जो है मुझे रीच आउट करो Uh, मैंने आप लोग के कंसर्न सामने रखे थे क्योंकि मैं यहाँ पे खुद नया हूँ तो मुझे जो रूल्स एंड नॉर्म्स जो हैं यहाँ के वो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे uh, आप लोग प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल uh, ग्रुप्स नहीं बन सकते बिकॉज उसकी वजह से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए नहीं मैनेज करना मुश्किल हो जाता है मैं तो फिर भी कुछ कर लूंगा लेकिन फिर uh, जो ईसी के सीनियर्स हैं वो एक जगह पे सबको इनकलकेट कर रहे होते हैं मेरी परफॉर्मेंस के पी ट्रैक हो रहे होते हैं मैं कितना एक्टिवली लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ वो ट्रैक कर रहे होते हैं और फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमीर भाई हैं और हमीर है हो गए और बाकी लोग जो हो गए जो इन चीज़ों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं सनी सनी भाई को रख रहे होते हैं तो अगर मल्टीपल ग्रुप्स की होने की वजह से ये हो जाता है कि उनके पास वैसे ही इतने सारे काम होते हैं और फिर वो फिर यू नो कि इतने सारे बाकी और भी अगर ग्रुप्स बन जाएं उस पर वो नजर रखें कि भाई किस पे वेदर और नॉट अगर कोई शॉपिफाई का सवाल आ रहा है मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ और फिर ये सारी चीजें ऑल दैट तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप लोग अपनी सारी कन्वर्जेशन एक जगह पे रखें आप लोग मुझसे एक नहीं हजार बार पूछें मैं आप लोग को वहां पे जाके रिप्लाई करूंगा बस जस्ट डोंट फॉरगेट टू तो टैग मी ठीक है ऑन द ग्रुप ईसी बीसी ग्रुप जो है फेसबुक का वहां पे um, उसके अलावा ये ऑब्वियसली जितने भी वन वन के स्टूडेंट्स हैं वो लोग आ, मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं बिल्कुल करें कोई इशू नहीं है जस्ट डू लेट मी नो दैट यू फ्रॉम वन वन बिकॉज मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं जो इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं मुझे उनको फॉलो करना पड़ेगा यस आई एम ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप टू ठीक तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बात कर सकते हैं कोई सवाल कर सकते हैं अगर आप लोग दूसरों से सवाल कर रहे हैं रूल्स आप लोग को पता होंगे बिकॉज आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि मैं वाहिद टीचर नहीं हूँ वाहिद इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ इंस्ट्रक्टर्स इंस्ट्रक्टर और भी हैं वो लोग क्या नॉर्म क्या तरीकेकार अप्लाई कर रहे हैं वो लोग आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे बात कर रहे हैं आ, आ, टोटल पूरे ग्रुप चैट के ऊपर क्या वो आपको फेसबुक ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं वही चीज मैं भी करूँगा

किन चीजों के ऊपर जो है ना पहले से रेडी रहना है बिफोर यू कैन लॉन्च अ स्टोर ठीक है कुछ डिस्क्लेमर्स दे दिए थे मैंने प्रोज एंड कॉन्स बता दिए थे मैंने वन uh, थिंग का मैंने आप को समझाया था ठीक है um, उसके अलावा ऑल इन ऑल मतलब मोस्टली मैंने माइंड सेट से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अनियलिस्टिक गोल्स नहीं रखने ये मैंने आप लोग को समझाया था आप लोग की मुझसे रिक्वेस्ट थी कि प्लीज मैं आप लोगों के साथ कोर्स आउटलाइन वगैरह शेयर कर लूँ तो इज इज़ इट ठीक है प्लीज uh, सवाल अब आप लोग एंड में करें मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कहीं नहीं भाग रहा हाँ मैं एक चीज जरूर आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा आज का सेशन नॉर्मली मेरा नौ दो घंटे का होता है आज का हो सकता है मेरा एक घंटे का हो सवाल मैं सारे लूंगा कोई सवाल नहीं छोड़ूंगा लेकिन बिकॉज बेसिकली um, um, uh, मेरी बच्ची को की तबीयत खराब है एंड आई हैव टू टू टेक हर द डॉक्टर सो इज एन अपॉइंटमेंट एंड आई हैव टू लीव एट अ टाइम बट

जो एक टॉपिक होता है वो मैं एक सेशन में कंडक्ट करता हूँ लेकिन मैं लास्ट सेशन में दो टॉपिक्स कंडक्ट करे थे मुझे इससे कोई मसला नहीं है मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि हर सेशन प्रोडक्टिव होना चाहिए आप लोग कुछ कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए कुछ ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ यार आप लोगों ने कुछ अकॉम्प्लिश करा कुछ देखा है इस सेशन में ठीक है प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड वैलिडेशन के ऊपर आज हम बात करेंगे अच्छा मैं आप लोग को एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कुछ लोग मुझसे डिसग्री करेंगे कुछ लोग मुझसे अग्री करेंगे लेकिन क्योंकि मैं और जगहों भी, भी सेशन लेता रहा हूं, एक समझने की कोशिश करिएगा मैं आप लोग को वॉक थ्रू करवा सकता हूँ प्रोडक्ट का स्ट। प्रोडक्ट स्टोर कैसे बनाते हैं शॉपिफाई यूआई क्या है पूरा उसके गो थ्रू करवाऊ करवाना है मुझे इवेंचुअली फिर हमारे पास जनरल स्टोर वर्सेस निश स्टोर वर्सेस सिंगल प्रोडक्ट स्टोर का कॉन्सेप्ट क्या है क्या हमें सिंगल प्रोडक्ट स्टोर खड़ा करना चाहिए क्या स्पेसिफिक करना चाहिए क्या जनरल करना चाहिए सही है ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्ट के जो फ्रंट होता है जो लैंडिंग पेज प्रोडक्ट का होता है उसका क्या ऑप्टिमाइजेशन है उसके क्या ब्लू है सही है आ, ये सारी चीज़ें <laughs> ये वाला एस्पेक्ट मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ पेपल स्ट्राइप वाला पेमेंट मेथड मैं टू चेकआउट वाला जरूर शेयर कर लूंगा आप लोग के साथ पेपल एंड स्ट्राइप वाला जैन जो है वो आप लोग के साथ उसने मुझसे खुद बोला था ये बात कि अगर कोई आपसे पूछे तो उससे बोले कि जैन से पूछ लें या जैन कवर करेगा अगर जैन मुझे इस तरह की इंस्ट्रक्शन देता है तो मैं खुद भी कवर कर लूंगा लेकिन बिकॉज हम लोग एक दूसरे का टाइम सेव कर रहे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन दे के जो आप लोग को कोई और अगर इंस्ट्रक्टर दे रहा होता है ठीक है फिर मैं आप लोग को कुछ एक्सटर्नल स्किल्स भी सिखाऊंगा जो आप लोग के लिए बहुत वेल्यूबल होंगी वो इस हद तक वैल्यूएबल है फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बोल देता हूँ अगर आप लोग एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ आप लोग अगर ये सोचते हो कि यार मैं <coughs> मैं ड्रॉपशिपिंग नहीं करना चाहता देखिए मैं आप सबसे इस चीज के ऊपर मुखातिबू आप आई होप अभी यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वन फोर्टी थ्री सही है तो मैं 143, के 143 को एक जरूर बताना चाहता हूं. Regardless, अगर आप करना चाहें या ना करना प्रोबेबली ये, कर ये बात याद रखिएगा मेरी आप शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग करना चाहें या ना करना चाहें आप समझते हैं मैंने आप लोग को रिस्क एपाइट के बारे में बताया था दिस हाई रिस्क एपाइट दिस मीडियम एंड देन दिस लो रिस्क में बिजनेस मॉडल्स जैसे कि आपका प्रिंट ऑन डिमांड हो गया फ्रीलांसिंग हो गया ये आ जाते हैं जिसमें एज सच कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है ठीक है उसमें एफर्ट इन्वेस्टमेंट होती है अब आप मीडियम बेस्ड और जरा अगर मुश्किल की तरफ आ जाए तो हमारे पास शॉप ड्रॉपशिपिंग फॉरन मीडियम और हाई की तरफ थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है Why medium high? Because मैं ये लोग ये लोग उतने ज्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होंगे आइडियली मैं मैं नहीं समझता 500 डॉलर ऑन एन एवरेज रेकमेंडेड है 500 डॉलर से स्टार्ट करें अम um, Ideally, मैं समझता हूं, to से स्टार्ट करना चाहिए लेकिन डेड ये बेयर मिनिमम पांच सौ डॉलर से स्टार्ट करें आप लोग प्लीज <coughs> एक और डिस्कलेमर देना चाहता हूँ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है हम लोग ये अपने पूरे सेशंस करेंगे आपको मैं पूरी एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन दूंगा Uh, कोई इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है कि आप लोग बोले कि नहीं यार मुझे जल्द से जल्द बस मैं आज मैंने आज का सेशन ले लिया बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे के सेशन में है मैं ये नहीं ये भी नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल एंड के सेशन तक वेट करें कि आप लोग अपना जो है ना प्रोडक्ट स्टोर बनाना स्टार्ट करें लेकिन मैं बोलूँ हाथ के हाथ जो जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ वो चीज़ इंप्लीमेंट करते रहे आप लोग ठीक है ये सिर्फ नहीं है अभी आगे भी मैं अभी आगे बात करता हूँ मैं कुछ बेसिक पॉइंट जरूर जरूरी पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ अच्छा फिर उसके बाद मैं आप लोग से बात कर लेता हूं कि जो लोग शॉपोफाइट ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहते और वो ये बोलते हैं कि यार ये सेशन हमारे शायद काम का नहीं हो तो मैं उनसे बोलूंगा कि आप बहुत गलत सोच रहे हो ठीक है मैं आपको बताता हूँ क्यों लेस सपोज आप ये बोलते हो शॉपोफाइट ड्रॉप करने की मेरी अभी हैसियत नहीं है क्योंकि मेरी नहीं थी एक पॉइंट पे क्योंकि मैं नहीं समझता था एक पॉइंट पे आज से कुछ साल पहले जब आई थिंक दो हजार सोलह पंद्रह की बात है मेरे लिए पंद्रह सौ डॉलर पाँच सौ डॉलर लगाना भी बहुत हैवी था मैं सोचता था कि यार कैसे लगाऊंगा पता नहीं अगर ये डूब गए तो मतलब एक थोड़ा सा अफसोस होगा मैं मेरे पास अभी इतने गुर्दे नहीं है कि मैं अफोर्ड करूँ पांच सौ हजार डॉलर भी के खर्च हों और रीजन बींग बिकॉज मेरी शादी भी होने वाली थी तो मैं अपने पैसे कहीं फंसाना नहीं चाह रहा था तो रिस्क ही लग रहा था मुझे ये तो मैं उन मॉडल्स में चला गया जैसे कि फ्री है और प्रिंट ऑन डिमांड है ठीक है मैं आप लोग को एक बात समझाना चाहता हूँ जब आप ई e कॉमर्स का ये ई e कॉमर्स है राइट right? जब आप ई e कॉमर्स का मजा चकते हो तो आप 360 सिक्सटी डिग्री में यूजली उसको जो है ना समझते हो hmm. आप प्रिंट ऑन डिमांड भी कुछ मतलब प्रिंट ऑन डिमांड भी एक तरीका है बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स राइट तो भले वो शॉप ड्रॉप शिपिंग हो कुछ आप लोग सब मानोगे एंड आई एम श्योर यहाँ पे कुछ लोग मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं कुछ चीजें जो आप एमेजोन में इंप्लीमेंट कर रहे होते हो उससे कुछ चीजें सीखते हो अगर आप शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग में आते हो तो वो चीजें उनमें से कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट होते हैं जो शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग में इंप्लीमेंट हो सकते हैं शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के काफी सारे कुछ ऐसे आप लोग लगेंगे जो आप सोचोगे हम्म इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अमेजन पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ या प्रिंट ऑन डिमांड में या फ्री में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ एंड सिमिलरली हर बिजनेस मॉडल का कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट होता है फॉर एग्जाम्पल मैं अमेजॉन एसोसिएट्स पढ़ा रहा था तो काफी सारे स्टूडेंट्स को दिमाग में क्लिक करिए बात की हाँ यार अच्छा आइडिया है अगर हम लोग बात करी थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ पी एल में ठीक है और आप लोग में से कोई स्टूडेंट है uh, तलाल की बात कर लेता हूँ बिकॉज ही तलाल ये बोलता है कि मुइज तो मैं जो हूँ तुम्हें सेल्स देना चाहता हूँ और तुम्हारे जिस तरह तुम जिस निश में हो उसके अलावा सनी uh, भाई से suppose, बात कर लिया पूछा कि जिस निश में काम कर रहे हैं ठीक है पांच लोग निकल हमारी कम्युनिटी से उस स्पेसिफिक बोला मैं आप लोग को ऑर्गेनिक सेल्स लाके दूंगा एंड फॉर एवरी सेल आप मुझे एक मुझे तो अमेजोन एक कमीशन दे गई लेकिन मैं आप लोग से चाहता हूं आप लोग भी मुझे कुछ दो ठीक है और फिर उसके बाद वहां से अमेजोन एसोसिएट्स का जो है ना तलाल पूरा उसकी जो है ना वो प्लानिंग करता है उसके जो है ना पूरी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिकली उसको रैंक करवाता है अपने अच्छे की वर्ड्स के ऊपर तो बेसिक मकसद आप लोग को बताने का ये था कि दे रूम कि आप हर मॉडल से कुछ ना कुछ सीखो और उसको किसी और एरिया में जाके उसको कैश कैश आउट कर लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पर्सनली अपनी बात बताता हूँ आज मैं आप लोग से प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ वो मैं आप लोग को सिखा रहा ठीक है मैंने आप लोग को अपनी फाइबर की प्रोफाइल दिखाई थी मैंने प्रिंट ऑन डिमांड 2017 में मैंने तीन महीने काम करा था और तीन महीने या शायद मैक्सिमम चार महीने काम करके मैंने जो है ना ऑन एन एवरेज मैंने कमाए थे कोई 14,000 डॉलर एंड आप लोग भी अग्री करोगे 14,000 डॉलर तीन महीने में इतने बुरे नहीं है अभी <coughs> मैंने ऐसी मजाक मस्ती में अभी मैंने थोड़ा एक कम्युनिटी में जाके फिर से मैंने प्रमोट करा तो लगातार दो दिन मेरे पास फिर से नब्बे थोड़ा सा, थोड़ा सा तो बहुत बहुत हजार से लेके डेढ़ लाख रुपए तक महाना कमा सकता हूँ प्रिंट ऑन डिमांड से भी अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं जो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं ये देखें फाइंड शॉपिफाइड ड्रॉपशिपिंग विनिंग प्रोडक्ट्स मैं आप लोग को हैंड्स ऑन स्किल सिखाऊंगा कि आप लोग हंट कैसे कर सकते हो प्रोडक्ट्स को अलबत्ता मैं आप लोग को सारे तरीके नहीं बता रहा कुछ तरीके हमारे नेक्स्ट सेशन में जाएंगे दीज आर एक्सटेंसिव दीज आर वे वेज टू फाइंड विरिंग प्रोडक्ट्स आउट इन द मार्केट फॉर शिपिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन पर्सनली चैलेंज के ये तरीके शायद आपको शायद आपको कोई और पढ़ा दे या सिखा दे इवन की में भी बात कर रहा हूं मैं लेकिन इफ देयर लेट्स सपोज टेन वेज टेन बेस्ट वेज आउट इन द मार्केट वो दस के दस में आपको सिखाऊंगा सही है आम, ये शॉप ड्रॉपशिपिंग विनिंग प्रोडक्ट्स का आप देख रहे हैं मेरी गिग इस पे मैंने एक एक महीने में बहुत ईजिली विनिंग प्रोडक्ट्स देने होते हैं कस्टमर्स को और जैसे मैं आप लोग को दिखा सकता हूं डॉक्स है मेरी डॉक्यूमेंट है मैंने एक एक महीने पांच मिनट लगते हैं मुझे या मैं भी पंद्रह मिनट लगते हैं विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढने में और वो विनिंग प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को हैंड करने में अगर थोड़ा मुश्किल कस्टमर है तो हो सकता है मुझे दो घंटे लग जाएं मैक्सिमम तीन घंटे लग जाएं लेकिन इससे ज्यादा देर नहीं ठीक है मैं बेसिकली आपको आप लोग को हर एंड समझाना चाह रहा हूं हर एंगल समझाना चाह रहा हूं जिस जिस तरह से आप लोग काम कर सकते हो एक मिनट एक्सक्यूज़ मी साथ ही साथ में जरा चैट भी ऑन कर ताकि आप लो की बात देखता रहूं जी एक सेकंड रुकिएगा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एक बटो के का आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी लेकिन यू डोंट हैव टू वरी लाइक मैंने अभी तक कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं है मैं सिर्फ दो स्क्रीन ही दिखाई हैं अभी तक तो या या सो आप लोग यहाँ पे देख मैं यहाँ पे बेसिकली आप लोग को प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड बता रहा था तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो 2017 2017 के कोई

Uh, मैं जो हूँ प्योर डिजिटल मार्केटर हूँ मैं मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ मेरी बस एक्सपर्टीज यहाँ पर है मैंने मैक्सिमम uh, पार्टनरशिप करी हुई है कुछ डिजाइनर्स के साथ और उनको मैं हल्का फुल्का उनका परसेंटेज दे देता हूँ अप टू थर्टी परसेंट और सो या उनको एक फिक्स फी दे देता हूँ पर डिजाइन लेकिन बहुत अच्छा मॉडल है ये भी ठीक है कमाने के लिए बहरहाल तो जैसे मैंने आप लोग को बताया शॉपाइड ड्रॉपशिपिंग में जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ आप लोग को ठीक है वो चीजें प्रिंट ऑन डिमांड में भी यूज हो सकती हैं आई डोंट नो डों मैं आप लोग को बिल्कुल एक फैक्ट बात बता देता हूँ आई डो नॉट हैव एक्सपीरियंस इन टू ठीक है इनशाला सनी भाई की इतनी जबरदस्त टीम है उनके साथ रह रह के आतिफ अहमीद वगैरह सबके साथ रह के मैं भी कुछ ना कुछ सीख लूंगा लेकिन जो एरिया मेरा है वो मैं उससे रिलेटेड आप लोग को एजुकेट करूंगा ठीक है अब आप लोग ये देख सकते हो फाइवर आई एम सॉरी एक मिनट रुकी

और मैं आप लोग को एक और चीज बताना चाहूंगा तो ये यहाँ पे मैंने आ, मेरी एक और बेसिकली सी से पहले जहाँ पे मैं क्लासेस पढ़ा रहा था वहां पे जो है मैंने इसकी स्किल्स सिखाई स्किल्स ये समझने की कोशिश करिए कि इस पूरे शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में आप लोग मल्टीपल स्किल्स एक्वायर कर रहे हो ठीक है आप लोग मल्टीपल स्किल्स एक्वायर कर रहे हो एक स्किल आपकी विनिंग प्रोडक्ट्स की आप रहे हो

39 तो है, लेकिन इसके कोई डबल से ज़्यादा मेरे पास पड़े हुए एक चीज और दिखाऊंगा आप लोगों को साथ साथ इससे आप लोग अंदाजा कर लो टी सी जहाँ पे इससे पहले मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे रिजाइन दे दिया मैंने तो मेरा स्टूडेंट है जिसका नाम है साध एंड फाइबर प्रोफाइल इज द कॉन्टेंट गाय करके कुछ नाम है उसका शायद यहाँ पे नजर आएरा माई कॉन्टेंट गाय ठीक है तो आप ये देख सकते हो इसने भी कमाना स्टार्ट कर दिया है कि इसको स्किल सिखाई गई है और इसने जो है ना यहाँ पे अपनी गेट बेचना शुरू कर दी है ठीक है ही इज माई स्टूडेंट बेसिकली ठीक है और आप ये देख सकते हो ऑन डेली बेसिस इसके पास ऑर्डर आ रहे हैं एटीन आवर्सो वेट एक सेकेंड से कर देता हूं ठीक है एटीन आवर्सो टू डेजो फोर डेज अगो फाइव डेज गो ठीक है तो आप लोग खुद देख सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है तो दल, दिल बर्दाश्ता करने की जरूरत नहीं है अगर मैंने आप लोग को ये बात बोली कि यार ड्रॉप शिपिंग जो है वो लेपोज ताहिर अच्छा वेट एक, एक चीज और बता ताहिर बेसिकली ताहिर हो गए आप सारे काफी सारे लोग ये सोच रहे यार पांच प्रोडक्ट्स दस डॉलर में ये मत सोचने की जरूरत है ये इसकी मर्जी है ये दस डॉलर में फिफ्टी डॉलर ठीक है आपके ऊपर है आप कितनी अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग स्किल्स का आपके ऊपर कमांड है कितनी जल्दी आप प्रोवाइड कर सकते हो ये पांच प्रोडक्ट पता है कितनी देर में दे रहा है मुझसे पूछिए आप हार्डली थ्री मिनट के अंदर दे रहा है ये विद इन थ्री टू फाइव मिनट्स के अंदर ठीक है um, तो एग्जैक्टली दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यूर हेयर एंड आप रिव्यूज चेक करोफाइल अच्छा मैं अपनी बात बता देता हूं देसिकली आई वुड लाइक टू बाईफिकेट प्रोडक्ट हंटिंग एंड ड्रॉपशिपिंग इन डिफरेंट एरियाज ठीक है मैं अगर अपनी बात कर लू यहां पर यह मेरी गेगे बेसिक बीस डॉलर में मैं पांच विनिंग प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ अब आप भी बोलो यार, मतलब ये तो बोलोगे आपको अभी टेक्निक पता नहीं है I will come towards that. आप ये देखो कि यही जो मैं कर रहा इसको अप्लाई करके मेरे पास कितने फाइव स्टार रिव्यू आए थर्टी सिक्स फाइव स्टार रिव्यूज आए फोर फोर थ्री स्टार आए एक भी मेरा नेगेटिव रिव्यू नहीं है आप ये देखने की समझने की कोशिश करो ठीक है तो Uh, इसको छोड़ दो ये मैं आपको अपना वर्ड दे रहा हूँ ये जितने भी मैंने ऑर्डर्स दिए ऑन एन एवरेज पांच हो पांच विनिंग प्रोडक्ट्स को विद इन पांच से तीन मिनट के अंदर फिल, फिल करके दिया है मैंने ठीक है एंड दैट्स प्रीटी मच इट, इनशा मैं उस तरफ आऊँगा आप लोग के पास लेकिन आप लोग ये देख भी सकते हो कि ये मेरी लिस्ट है uh, प्रोडक्ट्स जो मैंने मतलब अपने कस्टमर्स को दिए ये सारे देखें मदर बेबी प्रोडक्ट्स थ्री तीन विनिंग प्रोडक्ट्स पांच होम डेकोर के प्रोडक्ट्स जनरल स्टोर विनिंग प्रोडक्ट्स सही है <coughs> बोहो जो आपकी बेसिकली फैशन होता है सही है टेन जनरल प्रोडक्ट्स ट्रेवल टेक इस पे क्लिक करेंगे तो हम इसके ऊपर जो है ना आ जाएंगे हर चीज की डिटेल के ऊपर प्रोडक्ट का नाम क्या है उसकी एसो ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन ठीक है एक तो यार ये बहुत तंग कर रहा है मुझे एक मिनट यार ये ओके hmm. okay, अब ठीक है हाँ ये एक्सेल में वो मुझे तंग कर रहा था आ, 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 आ. जी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्राइजिंग प्रोडक्ट की प्राइजिंग क्या होनी चाहिए सेलिंग प्राइस क्या है प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है प्रॉफिट मार्जिन उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट के निकालने के बाद अगर वो बिकता है तो प्राइस आपकी प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा सप्लायर का लिंक बोनस पे मैंने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी दिया कि आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो ठीक है सो या सो अभी मैं और अभी मुझे पता है आप लोग के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मैं आप लोग को ना सारी चीजें बताऊंगा भाग कहीं नहीं रहा बस मैं आप लोग को ये समझा मैंने असल में ना आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले ये सोचा था कि हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स दिमाग में ये सोच रहे हो कि यार या, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में तो मैं कमा नहीं सकता आप लोग को ना अपनी सोच रिफाइन करें इसमें आप लोग ये सोचो और कितने सारे होराइजन आप लोग के पास जो है ना एनेबल हो रहे हैं आप लोग सिर्फ शॉपिफाई फाइट ड्रॉप शिपिंग से नहीं कमा रहे हो शॉपफाई ड्रॉपशिपिंग खोलनी है तो खोलो वैसे इन मेरा जो जब मैं गूगल एड्स और फेसबुक एड्स की तरफ आऊंगा मैं आप लोग को एक ठेठ स्ट्रेटजी बताऊंगा ठीक है जिसमें से एक तो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी तो आप लोग स्किल्स एक्वायर कर रहे हो अपना ड्रॉपशिपिंग स्टोर चलाना चलाने की स्किल और फिर उसमें और बहुत सारी सबसेट स्किल्स हासिल कर रहे हो जिसकी आप गिग्स बना सकते हो और बेचना स्टार्ट कर सकते हो स्टोर आई टू गॉड मेरा अपना शॉपिफाई स्टोर है के नाम से। अभी अभी छोड़ मैंने इसको, अंदर बनाएम नॉट इवन किडिंग मेबी लेस देन फोर आवर्स मे बी and एंड half आवर्स नॉट मोर देन दैट सही है तो इस तरह का एक स्टोर बनाने में बेर मिनिमम आप eighty dollars ऑन एन एवरेज वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी डॉलर और अगर थोड़ा एक्सटेंसिव स्टोर बनाने जा रहे हो तो टू फिफ्टी डॉलर तक तुम लोग चार्ज कर सकते हो तो जस्ट इमेजिन आई कैन शो यू सो ये काम कर रही है ठीक है इट कैन बी डिफिकल्ट टू बी इन ई कॉमर्स बिकॉज ई कॉमर्स इज वेरी बेसिकली चैलेंजिंग इट सेल्फ सही है क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन भी होता है फिर ये वो फिर आपको स्केप्टिकल फीलिंग होती है ये वो लेकिन स्टिल आज ही मैं बैठ के अपना सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बना रहा था ऑन क्लिक फनल्स आप देख सकते हो ठीक है अभी मैं बना रहा हूं दिस इज नॉट कंप्लीट ठीक है क्लिक फनल के ऊपर मैं इसका सिंगल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस पूरा बना रहा था मैं ठीक है <coughs> तो डोंट वरी क्लिक फनल अब यहाँ पे मैं आप लोगों को और क्या क्या बताऊं मतलब इंतहा है ना मतलब आप लोग शॉपिफाई का भी एक्सपीरियंस तो कर ही रहे हो लेकिन मैं आप लोगों को क्लिक फनल्स भी सिखा रहा हूँ एक्चुअली और क्लिक फनल्स की अलग गेग्स बनती हैं और अलग सेल होती हैं वो चीजें ठीक है तो मी खैर लेट्स हेड बैक टू द टॉपिक एक मिनट रुकी सेकेंड एक, uh, एक मिनट एक मिनट रुकी यार ये मैं जरा देखना चाह रहा हूँ ओके ओके ठीक है ठीक है <coughs> तायर मैं अच्छा प्लीज गाइस मैं अभी सवालों का जवाब नहीं दूंगा नहीं तो एक सवाल के देने के चक्कर में बहुत सारे और सवाल बनते चले जाएंगे और फिर वन आफ्टर लेकिन डोंट वरी आई विल गेट बैक टू यू गाइस आप लोग अपने सवाल रखो अपने पास ठीक है अच्छा अब आ जाते हैं જરા મેં યે ક્રોસ આઉટ કર દઉં ઠીક હે ઓકે તો મેને આપ લોક સે બાત કરી પ્રોડક્ટ કોર્સ આઉટલાઈન ફોર ડ્રોપશિપિંગ ફોર શોપિફાઇ ડ્રોપશિપિંગ યે ہمارا હે ઠીક હે ઇસમે મે આપ લોકો ઇન્શાઅલ્લા ક્લિક ફનલ્સ એન્ડ પેજ ફ્લાય કભી યુઝ દિખા રહા હોંગા फिर उसके बाद अच्छा वन मोर थिंग आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू गाइज नो के ये कोर्स आउटलाइन दिस विल मोस्ट लाइकली गेट चेंजेस वेन आई सेट सब्ट्रैक्टेड इनफैक्ट इट विल बिकम मोर एक्सटेंसिव सही है सो दिस इज जस्ट अ टेंटेटिव कोर्स आउटलाइन इफ यू कुड बी यहां पर कोई क्वेश्चन फेंकता मेरी तरफ सही है और मेरे दिमाग में, में आता है कि अरे हाँ यार आई नीड टू केटर दिस तो उस क्वेश्चन के बेसिस पे जो उस दूसरों को हेल्प करेगा दिस कैन बेसिकली इंक्लूड न्यू टॉपिक्स इन द होल कोर्स है ओके सो गुड और विनिंग प्रोडक्ट्स वन ओ वन तो अब हम ये बात करते हैं कि विनिंग प्रोडक्ट जो है उसकी एक्जैक्ट पहले स्टेप्स क्या है और मैं आप लोग से एक्सटेंसिवली हर चीज एंड टू एंड शेयर कर रहा हूँ सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूं कि एक विनिंग प्रोडक्ट को समझने के लिए देखने के लिए देख के पता कैसे चले मुझे कि यार वो विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है सो देर सेवरल प्रोडक्ट द्रेटेजीज इन फैक्ट बट आउट ऑफ दोवरल स्ट्रेटजीज एक चीज होती है आपकी इंस्टेंट बोलती है और फिर आपका खुद की लॉजिक बोलती है ठीक है तो आप लोग को अपने दिमाग में क्या रखना है कि सबसे पहली चीज हाई इन डिमांड हो उसकी नीड हो ठीक है पैशन हो पीपल शुड बी पैशनेट अबाउट इट उसका ट्रेंड हो ट्रेंड चेक करने के लिए गूगल ट्रेंड आप लोग के पास है कोई प्रोडक्ट नजर आया जाके उसको गूगल ट्रेंड्स पर सर्च कर लो ओके नॉट इजली अवेलेबल इन द मार्केट सही है

लेकिन अब एक और बात आती है कि एक प्रोडक्ट है अभी आया है मार्केट में और वो अभी ट्रेंड कर रहे है। कितने प्रोडक्ट्स होंगे ऐसे आई थिंक इट्स टू मेनी टू काउंट टू मेनी टू काउंट मे बी रोज हंड्रेड प्रोडक्ट्स आते होंगे और लोग उसमें से कोई हंड्रेड में से कम से कम दस तो थोड़े से थाउजेंड आते होंगे थाउजेंड आते होंगे और उनमें से कोई दस शायद बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हो कुछ थोड़ा बहुत मीडियम अपनी प्रॉफिट मार्जिन निकालते हो कुछ जो है बिल्कुल भी फेल हो जाते होंगे तो आपके लिए सवाल यह बनता है कि मुझे वो दस कैसे पता चले अगर वो दस इस वक्त बिक रहे हैं मैं कैसे पता लगाऊं कि वो दस कौन से है आई विल केट दैट क्वेश्चन इनशाला इन दिस सेशन और ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन में भी प्रोडक्ट नया हो और एक और चीज नो कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग वाला टू सम एक्सटेंट ये अग्री और डिसअग्री वाला फैक्टर है क्योंकि कभी कोई नया प्रोडक्ट निकलता है ले सपोज मैं बिल्कुल सी बात कर रहा हूं। uh, ये सपोज एक वाटर बॉटल है है ठीक और ये वाटर बॉटल में कोई ऐसा वाओ फैक्टर है जिसकी वजह से ये बिकेगा अब मैं इसको मार्केट करना स्टार्ट करता हूं और ये मेरे लिए अच्छा चल रहा है इसमें दो चीजें आती हैं आपको मार्केट करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपको करना चाहिए बिकॉज जब एक पाए है यू नो दाए एप्पल पाए एंड यू जस्ट कांट है पीस ऑफ इट ठीक है कुछ हिस्सा उठा लो उसमें से दूसरी बात ये कि आपको कैसे पता चले कि ये मैं ये एग्जैक्टली exactly प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं क्या ये एक्चुअली में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा ठीक है लो अवेलेबिलिटी जब आप सुपर स्टोर्स में जाओ या लेट्स सपोज ऐसी बात है आपकी मेन टारगेट यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड न्यूजीलैंड इंग्लिश कंट्रीज ऑफिलिटी वन और फिर यूरोप की साइड अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मतलब आपके साथ कोई पार्टनर है जो कि ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहे हैं और आप यूरोप साइड पे जाते हो तो यूरोपियन यूरोपियन मार्केट हो गई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए अगर आप वहां जाते हो तो वहां पे अब वहाँ पे तो बहुत अनटैप मार्केट है बहरहाल वहां पे अभी बहुत खेल सकते हो आप शिपिंग में तो मैं एक बात कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल आप जो है ये सोचते हो कि यार यारोडक्ट uh, रिगार्डलेस कहीं पे भी है क्या वो सुपर स्टोर में अवेलेबल है क्या जब बंदा बाहर निकलता है तो वो उसके लिए अवेलेबल है वो प्रोडक्ट अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो इट्स नॉट वर्थ सेलिंग सिंपल एज सिंपल एज दैट इसकी मैं आप लोगों का अभी एग्जाम्पल भी दूंगा वाओ wow फैक्टर होना जरूरी है प्रोडक्ट सो uh, so, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेज़न ऑब्वियसली लेकिन शॉपफाई में ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि प्रोडक्ट अजीब सा हो एग्जैक्टली exactly. कि उसको देखते ही बंदा एक सेकंड के लिए रुक जाए वो ये बोले हैं ये किस तरह का प्रोडक्ट है एंड अगर वो उसके पैशन से रिलेटेड हो तो वो कन्विंस हो जाए कि यार मतलब मैंने ये खरीदा है um फॉर <coughs> अभी रिसेंटली मैं और मेरा पार्टनर जो है डेनिश से डेनमार्क से है वो uh, हम लोग ने लास्ट या पता नहीं लास्ट टू लास्ट मंथ हम लोग ने एक अच्छा प्रोडक्ट सेल करा था एलईडी डॉग डॉक कॉलर एक डॉग कॉलर था जो रात में बेसिकली uh, दो तरह से यूज होता था सो uh, so, लोग रात में अपने पेट्स को लाके कोई छोटा सा ऐसी पार्टी या फंक्शन करते थे एक ही अपने घर के एरिया के या नेबर्स में सामने ही तो um, सब लोग अपने वो एलईडी डॉग कॉलर लगा के जो है ना अपने पेट्स के around, के अराउंड अराउंड नेक जो है ना वो इधर उधर फिरते रहते थे तो बड़ा अच्छा सा माहौल सेल so uh, करते हुए हम लोग ने जो करा वो प्रिवेंट फ्रॉम बेसिकली बेसिकली आप कहीं खो ना दो अपने पेट को इन दैट ठीक है सो यूनिक हो फन फैक्टर हो कस्टमाइजेशन हो उसमें एंड न्यू प्रोडक्ट हो ये कुछ वाव wow फैक्टर्स जो हैं ये डिटरमिन हो जाते हैं इनको देख के हाँ यार ये ये चीजें हैं ठीक है सो या फाइंडिंग गुड प्रोडक्ट्स वन ओ वन इफ यू आर न्यू टू ए न्यू डू नॉट टेस्ट प्रोडक्ट्स दैट केटर ब्रॉड ऑडियंसेस अनलेस यू हैव एन ऑसम वीडियो एड ठीक है अगर आपके पास बहुत ऑसम वीडियो एड है तो ही आप लोग कुछ टेस्टिंग करो वरना ना करो मैं जो आप लोग को तरीके बताऊं आप लोग बस उस रूल के ऊपर चलो आप लोग ने सब मैंने आप लोग को क्या बोला आप लोग को अपना जो एम है वो रखना है कि मैंने बस 500 डॉलर 300 से 500 700 डॉलर तक बनाने बहुत अच्छा हो गया 700 डॉलर 500 मतलब 700 डॉलर से ऊपर हो गया तो कौन सी बड़ी बात है लेकिन बहुत हौका नहीं रखना आ, देखें मैं ये नहीं कह रहा कि आप दस बीस हजार डॉलर नहीं बना सकते लेकिन जो दस बीस हजार हजार डॉलर बनाते हैं ना प्रॉफिट में Uh, drop तो उनका focus ही फिर सिर्फ श्रपफा ड्रॉपशिपिंग होता है ठीक है ठीक है तो उनका फोकस ही सिर्फ शपफाइड ड्रॉपशिपिंग होता है वेर एस अगर मैं बात कर लू Is key. Always think about who you are do, uh, going to target in the ad I'm sorry, type of mistake. If you can't immediately think of who to target, then don't test it. And these are three very good examples. In these are ice cube trays. These are, these are silicon balls, egg-shaped balls. and uh, this is basically um, uh, basically foot fountain for uh, uh, pets, uh, cats and dogs. <coughs> सही दीज आर टू ब्रॉड एंड दीज आर इजिली अवेलेबल आउट इन द मार्केट डू नॉट एवर ट्राई टू थिंक यार मुझे जो है ना बोला था कि आप कुछ ऐसा करो टारगेट या फिर आपके दिमाग में आता है मैं कुछ ऐसा टारगेट करूं जो रोजमर्रा एफ एम सी जी के लिहाज से लोगों को चाहिए मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो और यार ये तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं अगर मैं ये चलाना शुरू करूंगा एड्स के ऊपर तो तो लोग तो लेंगे लोग तो लेंगे लेकिन आपसे क्यों लेंगे क्योंकि आप ऊपर ज्यादा मार्जिन में रख रहे हो लोगों को उनकी प्राइजेस रटी हुई हैं अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली और वो बाहर उनके नीचे गली में उतरते हैं तो वो चीजें उनके पास अवेलेबल है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मार्केटिंग देम राइट सो डू नॉट मार्केट देम ये बस कुछ एरियाज में आपको बता रहा हूं जिन एरियाज में आपको जाना है और जिन एरियाज में आप लोगों को नहीं जाना ठीक है आगे चलते हैं या हाई रिस्क प्रोडक्ट्स होते हैं दिन हाई रिस्क प्रोडक्ट्स में मैं उन प्रोडक्ट्स को हमेशा मना करूंगा इंजेस्टेबल्स हो गए या कोई भी ऐसी चीज हो गई कि तो ये माउंटेन हाइकिंग के लिए कोई प्रोडक्ट है आपको कोई खतरा हो जाए ठीक है या कोई भी ऐसी चीज कि आप माउंटेन हाइकिंग के लिए हुक फॉर एग्जाम्पल लेके जा रहे हो और ये टूट जाए तो एनी थिंग दैट कैन जिपटाइज यॉप रेपेशन और वॉट्सो एवर अवॉइड दो प्रोडक्ट ठीक है दिस इज माई पर्सनल से ऑन दिस ठीक है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाए एलर्जिक हो जाए कोई ले सपोज एनजेबल्स लगा के तो आई वुड लाइक टू इवन दो मैं आपको ये बता दू ये जो चारकोल है uh, चारकोल मास्क और चारकोल uh, जो ये है टीथ वाइटनिंग पाउडर वगैरह ये बहुत बहुत क्रेजी विनिंग प्रोडक्ट्स गए हैं ये अपने टाइम में बहुत क्रेजी लेकिन वी डोंट नो इफ मतलब मे मे बी बी लेकिन हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली exactly, अगर हम इनको यूज करेंगे तो इससे इन कॉन्टेक्ट में क्या आएगा किसने बनाया है क्या वैलिडिटी है वी डू डू नॉट नॉट नो दैट फॉर श्योर तो विच इज वाई वी शुड अवॉइड दिस ठीक अच्छा सो मीडियम रिस्क प्रोडक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बिल्कुल आपको करना चाहिए मार्केट मीडियम रिस्क है अच्छा रिस्क किस चीज का है उसको अवॉइड कैसे करा जाए उस रिस्क 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 को मीडियम से उसको जीरो या मिनिमलिस्टिक की तरफ कैसे लेके लेके आया जाए उसका तरीका ये कि जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ना अली एक्सप्रेस के थ्रू तो ज्यादातर प्रोडक्ट्स या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके साथ मैं सबकी बात नहीं कर रहा कुछ प्रोडक्ट्स की बात कर रहा करूं मेजोरिटी में नहीं लेकिन हाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स की जरूरत ऐसा होता है उनके साथ उनका मैनुअल नहीं जा रहा होता सही है उनकी पैकेजिंग इतनी बुरी जा रही होती है कि जब वो ओनर के पास पहुंचता है तो वो खराब हो चुका होता है इट्स ब्रोकन राइट और फिर वहां से इशूज शुरू होते हैं अवॉइड दीज प्रोडक्ट सच प्रोडक्ट्स फिर बैटरीज एक ऐसी चीज है कि अगर बैटरीज उसमें लगी भी हो तो यूके की शिपिंग टाइम्स लंबी हो जाती हैं

आए हाँ, सो इंस्ट्रक्शन मैनुअल आ रहा है नहीं आ रहा सही है इसके साथ um, बाकी चीजें अवेलेबल हैं या नहीं है ठीक है सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट ब्रोकन तो नहीं आ रहा किस शेप में आ रहा आपके पास सही सलामत पहुंचा या नहीं पहुंचा तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं Excuse me one second. सही है फिर अब हम बात कर लेते हैं मीडियम रिस्क प्रोडक्ट्स में थोड़े से आपके पास क्लोथिंग भी आ जाती है अली एक्सप्रेस पे, ठीक है, सो या क्लोथिंग वेन आई टॉक अबाउट क्लोथिंग क्यों ये सक्सेसफुल हो जाती है बिकॉज सॉर्ट ऑफ अ पैशन विध समथिंग और फिर उससे रिलेटेड आपको कोई टी शर्ट नजर आती है ना आप खरीद लेते हो लेकिन मीडियम रिस्क क्यों मैं आपको बताता हूँ यूएस के, के से बहुत डिफर करते हैं साइजेस के इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से रिफंड के बहुत मसले आते हैं रिटर्न के बहुत मसले आते हैं और ये मैंने खुद फेस करा भाई मैं जो ना बेसिकली सेल कर चुका हूँ खुद क्लोदिंग और मैंने ये सफर भी करें ये इशूज तो ये बहुत कॉमन मसले आते हैं अवॉइड <coughs> टेस्टिंग

प्रिंट ऑन डिमांड में फायदा ये है कि यहां से जब आप कोई क्लोदिंग का प्रोडक्ट बेचोगे तो वो कस्टमर के पास पहुंचेगा बेर मिनिमम वर्किंग वर्किंग डेज डेज से लेके 30 के अंदर सही है और जब आप प्रिंट ऑन डिमांड से बेच रहे होगे तो वो सात दिन के अंदर सेवन वर्किंग डेज के अंदर जो है ना कस्टमर के हाथ में होगा तो देन ऑब्वियसली आप लोग खुद भी समझ सकते हो ये बेवकूफी हुई फिर कि अगर हम अली एक्सप्रेस से शॉपिफाई पे भी आप लोग अपना प्रिंट ऑन डिमांड की ऐप लगा सकते हो ठीक है <laughs> अगर राइट right मेजरमेंट्स हैं और सप्लायर आपको बिल्कुल सही चीज दे रहा है तो ठीक है यू कैन गो विद इट मैंने सही तरह से भी करा है और जब शुरू में एक्सपीरियंस नहीं था तो मुझसे गलतियां भी हुई थी बस मेरा मकसद था आप लोगों को समझाना मीडियम रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप रिस्क ले ही नहीं सकते आप ले सकते हो अगर आपकी कुछ चीजें आप वेलीडेट कर लो प्लीज uh, मैं अभी दूसरे ऑफ द टॉपिक सवालों के जवाब नहीं दूंगा अभी जी ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स

मैंने खुद मेजर इशू देखा हुआ है ठीक है अपनी आंखों से दे वॉज ए शॉप शॉप डॉट किल्पिंग डॉट कॉम उसका एक सेक्शन जो एक सेक्शन पे पूरी शॉप की बात नहीं कर रहा सिर्फ एक सेक्शन में जो था ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स भरे हुए होते थे सही है एंड देन uh, हुआ ये कि पहले जो कंपनी थी uh, उसने पहले रीच आउट करा और उन्होंने बोला कि प्लीज टेक डाउन द प्रोडक्ट्स एल्स वी विल Some legal अच्छा, क्योंकि वो बंदा पाकिस्तान से था तो उसने सोचा it, मुझे कुछ नहीं होने वाला मैं करता रहूंगा उसके कुछ अर्से के बाद भी उसने एक्ट नहीं करा तो उसके बाद यह हुआ कि शोपफाई गया उसकी शॉप में उसको पहले शोपाई ने ई मेल करी हम आपका चौबीस घंटे के लिए शॉप बंद कर रहे हैं। हम अपने हाथ से उन प्रोडक्ट को उखाड़ देंगे आपकी शॉप से और उसको उठा के फेंक देंगे उन्होंने शॉप को वैसे ही रहने दिया उस पूरे सेक्शन को डिलीट करा उन्होंने और उन्होंने फिर बोला कि अब आई होप आप इसको वापस से ऐड ना करें बिकॉज इफ यू यू डू इट वी विल बैन फ्रॉम शॉपिफाई ठीक है तो प्लीज अवॉइड ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स के बेचने का तरीका अगर आता हो किसी को आई एम श्योर आता होगा शायद लोग पागलों की तरह कमाते हैं ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स के ऊपर पागलों की तरह कमाते हैं अभी स्टार वॉर्स की कोई मूवी निकलना निकलने में आ जाए तो आप देखिए आप एडवरटाइज करना स्टार्ट करें क्रेज ही बिकेगा आ, बेबी योडा का भी जमाना आया था जब वो मैंडलोरियन आई थी तो बेबी योडा हर ड्रॉप डौ, डौ, शिपिंग स्टोर बेच रहा था ठीक है तो आ, थोड़ा इस बस इस बात का ख्याल रखिएगा जब मैं आपको समझा रहा हूं ठीक है अब एक सवाल आ रहा और आता है कि यार आप कोई प्रोडक्ट लेते हो और आपको पता ही नहीं कि वो ट्रेडमार्क है कि नहीं तो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड यू टू गो ऑन टेन आई डॉट कॉम अपना प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करो दो से तीन जो भी हैं और चेक कर लो कि वो ट्रेडमार्क है कि नहीं रिवर्स इमेज इमेज सर्च इंजन नहीं है यह आपको बता देगा कि वेदर और नॉट वो प्रोडक्ट ट्रेडमार्क या कॉपी राइट के इशूज हैं या नहीं है उसके साथ <coughs> अच्छा मेरी नजर में ये तीन विनिंग प्रोडक्ट्स हैं इससे आप लोग को देख के समझ जाओगे वाओ फैक्टर है इनमें इनको देख के वाव फैक्टर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा क्लिक करेगा बोलेंगे हाँ इस तरह के प्रोडक्ट हमने मार्केट में नहीं देखे हुए और फिर आप तो समझ जाओगे कि हाँ ये बेच भी सकते हैं सही है एक प्रोडक्ट ये रहा दिस इज बी एड कॉम ठीक है, so, तो अब मैं आप आप लोग लोग से बस ये मैंने आप लोग को थोड़ा सा आ, एक दिया मैंने आपको आ, मैं आप लोग को बस ये बताऊंगा कि जो भी प्रोडक्ट्स जो मैंने आप लोग को दिखाएं ये अपने टाइम के बहुत जबरदस्त विनिंग प्रोडक्ट्स रह चुके हैं और खासतौर पर राइट वाले दो जो हैं उन्होंने पागलों की तरह इस प्रोडक्ट ने एक इन्फ्लुएंसर uh, था उसने दो महीने के अंदर पचपन हजार डॉलर प्रॉफिट में कमाए इसको बेच के ड्रॉप शिपिंग से इस प्रोडक्ट को सही फिफ्टी फाइव थाउजेंड इन प्रॉफिट नॉट इसमें रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ और इसका भी यही हाल है ठीक है ये भी बहुत अच्छा रहा है लेकिन आई डोंट थिंक ये प, पचास डॉलर पचास हजार डॉलर तक पहुंचा लेकिन वैसे अच्छा रहा ये <coughs> तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ के, आ, अच्छा जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की आप लोग बात कर रहे हैं ना तो ये सप्लायर सप्लायर पे भी बहुत डिपेंड करता है सही है आ, हर सप्लायर एक जैसा नहीं होता सप्लायर की भी साइंस है ये भी मैं आपको बता दू ठीक है सप्लायर की भी अपनी साइंस है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि सप्लायर सही कैसे उठाते इस तरह के कोई इश्यूज नहीं हो गए आपको ये मैं डिटेल में इन सारी चीजों के ऊपर भी बात करूंगा किस तरह इन चीजों को अवॉइड करें ऑल दैट ठीक है तो हम अब आ जाते हैं पहले तरीके की तरफ और यही सबसे मुश्किल तरीका है नहीं बोला ना हाँ नहीं अभी मैं आपको सिर्फ ओवरऑल प्रोडक्ट रिसर्च का तरीका बताऊंगा क्या होता है ठीक है मैं प्रोडक्ट रिसर्च में नए तरीके ऐड कर सकता हूं पहले ही बता रहा हूं और मैं पुराने तरीकों को इनवैलिड भी कर सकता हूं ठीक है प्रोडक्ट रिसर्च मेथड्स हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट रिसर्च मेथड्स आउट इन द मार्केट द दार्ड पार्ट इज दैट प्रोडक्ट्स टू टेस्ट नॉट फाइंडिंग प्रोडक्ट्स सही है प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आप लोग को भरमार मिलेगी आप लोग प्रोडक्ट्स की एक के बाद एक अगर आप लोग को लगता है आप लोग चाहते हो कि हम ईसी की टीम वैलिडेट करें या कुछ ऐसे करें तो फिर उसके लिए आई uh, थिंक आप लोग को शीट एक मेंटेन करनी होगी जहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ फिर वो मैं आ, हमीर और बाकियों के साथ सनी सनी भाई वगैरह के साथ भी शेयर करूंगा मैं देखकर फिर पूछूंगा कि मुझे जो इंस्ट्रक्शंस मिली थी उसमें ये मिला था कि आप लोग हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करोगे हम फिर वैलिडेट करेंगे आप लोग को वैलिडेशन के तरीके बताएंगे लेकिन फिर मजीद और डिटेल में वैलिडेट करेंगे समझेंगे इस बात को कि एक्चुअली इज इट वर्थ गोइंग विद इट और नॉट सही है द हार्ट पार्ट इज बेसिकली टेस्ट ठीक है दिस इज वेयर प्रोडक्ट वेलिडेशन कम्स इन सो दिस इज दन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज अगर प्रोडक्ट वैलिडेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है प्रोडक्ट वैलिडेशन के कुछ स्टेप्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं कि ये ये चीजें नहीं होनी चाहिए वो वैलिडेट कर देते हैं कि वेदर यू शुड गो विद दिस प्रोडक्ट और नॉट क्योंकि आप एडवर्टाइज करना शुरू करते हो और आपको बहुत फीडबैक आना शुरू हो जाए रिगार्डलेस क्या आपको लगता है क्या आपकी जा रही है, तो कोई नहीं है, तो मैंने to, है जो मैंने खुद बनाया है so products. Products करने के हमारे पास एक, दो तीन चार पांच छ और छह के अलावा दो तीन और हैं जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को ठीक है लेकिन ये छह जरूर है एक तरीके का नाम है फेसबुक इन्फो एंड एड्स फॉर एक्टिव ड्रॉपशिपर्स दूसरा है सी आई एस एम एंडी के ये सारी मैंने टर्म्स रखी हुई है दिस इज कॉमर्स इंस्पेक्टर एंड सिमिलर वेब विद विद्ट्टी के प्लस ट्रैफिक सेव कॉम्पेटिटर फेसबुक एड्स सर्च वीअर टॉप साइट फेसबुक सर्च मेथड फिफ्टी परसेंट ऑफ फ्री ड्रॉपशिपिंग ये मैं सारी टर्म्स है मैं बताऊंगा ये है क्या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट फाइंडर्स उसके अलावा दो तीन और हैं जिसमें से एक दो तरीके जो नहीं लिखे वो वो भी मैं आप लोग को बता रहा वंस आप प्रोडक्ट रिसर्च करो और अपनी एक लिस्ट बना लो प्रोडक्ट रिसर्च की जैसे मैंने बनाई हुई है मी शो यू ये देख सकते हैं आप लोग ये आ, मेरी प्रोडक्ट रिसर्च की पूरी लाइब्रेरी है जिसको मैं करता रहता हूँ ऑन एंड ऑफ ठीक है और कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से उठाया क्या करना है उसको वैलिडेट करने नहीं करना है <coughs> सही है वैलिडेशन प्रोसेस से गुजरा उसके बाद मैं उसको पुश करता हूँ शॉप की तरफ ये सारी चीज़ें ओके मेरी स्क्रीन देख सकते हो ना तुम लोग अच्छा बिकॉज अच्छा ठीक है मैं बहुत बता देता हूं

ठीक है ओके सो इट्स ओके सफीर आई नो मैंने बंद करी खुद जब एक बार आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया प्रोडक्ट फिर उसमें से शॉर्टलिस्ट द टॉप टेन परसेंट प्रोडक्ट फ्रॉम योर टोटल लिस्ट इट कुड बी ट्वेंटी इट कुड बी टेन दैट इज अट प्योर डिस्क्रिप्शन आपकी अपनी मर्जी लेकिन इन आइडियली मैं बोलूंगा कि आपने रोज आपने सोचा हुआ है कि मैं सेवन प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करूंगा तो सेवन में से आपने कोई एक या दो सेलेक्ट करने और या हफ्ते के एंड में आपने कोई टेन परसेंट सेलेक्ट करने ठीक है नेवर जंप ऑन अ प्रोडक्ट विदाउट प्रोडक्ट वैलिडेशन एंड आई कैन नॉट एम्फोस इनफ ऑन दिस पॉइंट एम्फोसाइज इनफ ऑन दिस पॉइंट प्लीज रिमेंबर दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप ये नहीं भूल सकते ये पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए प्रोडक्ट वैलिडेशन के बगैर आप आगे नहीं जा सकते ठीक है एक लेट मी चेक द टाइम बिकॉज मैंने आप लोग को बोला था कि आई हैव सो आई थिंक आई विल बी एबल टू शेयर द फर्स्ट प्रोडक्ट रिसर्च मेथड विद यू गाइस ठीक है और इनफैक्ट ये बहुत जरूरी वाला भी है टर्बो एड्स ठीक है सो क्रोम एक्सटेंशन फॉर अ ड्रॉप शिपर प्लीज आप लोग so, so, लो अपने मोबाइल से इसकी पिक्चर ले लो या ये मुझसे स्लाइड ले लो बाद में या जो भी कर लो ये होना जरूरी है इसके बगैर बेकार है प्लीज मैं जब आगे जा रहा हूँ आप लोग के साथ ये शेयर कर दी थी एक्सक्यूज <coughs> मी ये वाले सारे एक्सटेंशन मैं फिर से एक बार शेयर कर रहा हूं ये मुझे एक्सटेंशन चाहिए अभी मैं कर रहा हूँ बता दिया था एक सेशन में कि आप लोग ये सारे एक्सटेंशन यूज कर लीजिएगा अभी मैं वेट नहीं करूंगा मैं अब टेक्निक के साथ आगे जाऊंगा जिस जिसने इंस्टॉल कर लिया वो फिर बस या ऑब्वियसली आर फ्री आ, इसका कुछ एरिया हो सकता है पेड हो लेकिन मैं पेड नहीं यूज कर रहा इसका कोई भी सेक्शन ठीक है <coughs> ठीक है तो मैं अब आप लोग को बता देता हूं सो so, टर्बो आप मुझे एक बात बताइए आप लोग को यह एड देख के क्या समझ आता है मैं डोंट लुक एट द एड मैं एड की बात नहीं कर रहा इस सेक्शन को मत देखिएगा इसके मैं सोशल प्रूफ की बात कर रहा हूं नीचे जो सोशल प्रूफ आया हुआ आठ हजार आठ सौ लाइक्स तीन हजार आठ सौ शेयर तीन हजार छह सौ तीन हजार सौ शेयर और तीन हजार आठ सौ कॉमेंट्स यहां पर अगर कोई फेसबुक एडवर्टाइजर है जिसके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस है मतलब एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं मैं ठीक है तो वो एक बात जरूर इधर से निकाल सकता है कि ये जो भी प्रोडक्ट है जिसकी भी न्यूज फीड पे आया है ये एक सुपर डुपर हिट प्रोडक्ट है और इसने बहुत कमा लिया है अभी तक और ये और कमा रहे वेरी नाइस नॉलेज अबाउट फेसबुक एड्स वो ये बात पहले से जानता है ठीक है अब इसकी डायनेमिक्स और इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा कि यह फेसबुक एड ये कैसे हुआ ये 8,800 लाइक्स कैसे आई है कैसा ये क्या है इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कोई स्टूपेड नहीं होगा कोई बंदा भी किसी एड के ऊपर पैसे डालता रहे अगर वो एड प्रॉफिटेबल ना हो 8,800 लाइक्स का मतलब ये है किस ऑफ मनी ऑलरेडी सही है विच मींस ऑब्वियसली कि इसने बहुत पैसा कमा लिया है और मजीद कमा रहा है तो अब सवाल यह है कि चले अगर आपके सामने ये एड नजर आता है तो इसका मतलब क्या है देखिए मैं अभी आप लोगों को बता दिया है कि मैं ऑफ द टॉपिक बात नहीं करूंगा आप लोग बीच में सवाल डाल देते हैं मेरा दिमाग वहां चला जाता है मैं सवाल करें आप लोग मुझसे अपने टाइम के ऊपर सवाल करें ठीक है अब सवाल ये है कि ये सोशल प्रूफ देखकर ये जो सोशल प्रूफ देख रहे हो आप लोग नीचे ठीक है अगर यही एड आपके सामने आए तो इसका मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है यह इस प्रोडक्ट से अभी भी कमा रहे है और कमा चुका है तो इसका मतलब कि अभी इसका फुल कुछ पोटेंशियल हो सकता है हो सकता है कि अगर इस प्रोडक्ट को ले <coughs> सपोज एक आपने पूरा जार भर दिया जूस से और वो जूस एक खास बंदे ने पी लिया उसमें हो सकता है अभी भी एक गिलास बाकी हो इन शॉर्ट हो सकता है इसमें अभी भी यू कैन टेक द पीस ऑफ पाई दैट यू डिजर्व सो नाउ द क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर वो सब तो सही है लेकिन ये ऐड आपके पास नजर आ गया आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया दो चीजें सर मुझे कैसे पता चले कि ये ड्रॉप शिपिंग का ऐड है नंबर 1 नंबर 2 ये एड आपके पास आया है मेरे पास तो नहीं आता मैं कैसे लाऊ इस एड को अपने पास या इस तरह के एड्स को अपने पास आप लोग मेरी बात अगर समझ गए हो तो प्रेस वन एंड यू अग्री प्रेस वन ठीक है ओके तो अब हम इस चीज की तरफ आएंगे ठीक है मैं समझ गया आप लोग समझ भी गए हो और दो सवाल आए मुझे कैसे पता ड्रॉप शिपिंग का एड है नंबर वन नंबर टू ये एक ऐड आपके पास आए मैं ऐसे अपने पास एड्स कैसे लाऊं? बिकॉज ये तो स्पाइंग हो गई ना एक तरह से देखें तो यो स्पाइंग ऑन एड्स बिजॉट विच आर सक्सेसफुल ओके इसका तरीका ये रहा फ्लडिंग योर फेसबुक न्यूज फीड विथ ड्रॉपशिपिंग एड्स आपको दो चीजें चाहिए इसके लिए एक्सटेंशन फेसबुक टर्बो एड फाइंडर एंड फेसबुक पिक्सल हेल्पर ठीक है दो दो एक्सटेंशन चाहिए आप लोग को फेसबुक टर्बो फाइंडर और फेसबुक हेल्पर ये दोनों क्रोम एक्सटेंशन है सबसे पहले आप आप क्या करेंगे आप किसी भी एक जनरल प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर जाएंगे जो कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं मैं आपको नाम बता देता हूं मैं आप लोग को ओपनली एवरी एवरी मतलब एवरी वन इन मीटिंग में शॉप का नाम दे रहा हूं प्लीज कोई अभी टाइप ना करें यहां पे सही है हाई गो शॉप डॉट कॉम सब लोग इस शॉप के ऊपर क्लिक कर लें फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ऐसी साइड में खोल लें ओहो <coughs> मैंने भी खोल ली ठीक है ओके okay. अब मैं आगे बात करता हूं आप लोग से इसमें लिखा हुआ गोट ऑन अ शॉप सेलेक्ट अ प्रोडक्ट एड टू कार्ट एंड चेकआउट चले अब मैं पहले आप लोग को यह दिखा देता हूं कि मेरे पास दो दोनों एक्सटेंशन मौजूद हैं पहली एक्सटेंशन ये रही फेसबुक पिक्सल हेल्पर दूसरी एक्सटेंशन ये रही फेसबुक टर्बो एट फाइंडर ठीक है अब पहले आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दें इससे पहले मैं प्रोसीड करूं प्रेस वन अगर आप लोग में से पहले से ही बहुत लोगों के पास फेसबुक एड्स में आप लोग की जो न्यूज फीड है जब आप लोग फेसबुक खोलते हो तो न्यूज फीड आती है ना सामने उसमें जस्ट प्रेस वन अगर पहले से ही बहुत सारे लोगों के पास ड्रॉप शिपिंग के एड्स फ्लड हो रहे हैं एक के बाद एक ड्रॉप शिपिंग का एड नजर आता है एक के बाद एक ड्रॉप शिपिंग का एड नजर आता है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ तो नौ लोग हैं जिनके पास बेतहाशा नौ दस ग्यारह बारह ओके तो तकरीबन बारह लोग हैं आउट ऑफ तो वन सेवेंटी पीपल तकरीबन नौ दस चलो बारह पंद्रह लोग हैं जिनके पास पहली ड्रॉपशिपिंग एड्स नजर आते हैं तो आप लोग के लिए तो ये नहीं है ठीक है मतलब आप लोग के लिए नहीं है पंद्रह बीस लोग होंगे चलो बीस लोग पच्चीस लोग होंगे जिनके पास आते हैं जिन के पास नहीं आते तो आप लोग के पास बढ़ जाएंगे अगर आप ये टेक्निक अप्लाई करते हो और जिनके पास नहीं आ रहे उनके पास आना शुरू हो जाएंगे ठीक है तो अब मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं अ प्रोडक्ट एड टू कार्ट एंड आउट ठीक है सॉरी अ प्रोडक्ट अब मैं करूंगा बेटर पिलो ठीक है लिखा हुआ है बाइट नाउ इस पर क्लिक करूंगा एंड देन आई चेक आउट ठीक है <coughs> <coughs> उसके बाद क्या लिखा हुआ है यार एक तो ये जूम का पॉपअप रिप्लेस द कॉन्टेंट आई डी विद द वैल्यू इन द कोड बिलो कंटेंट आईडी कौन सी मैं बताता हूं पहले एक काम करें मतलब आप लोग के पास तो नहीं है ना ये मैं लेकिन अभी वेलकम टू दैट अभी छोड़ दें आप लोग इसको ये कंटेंट पूरे ये कोड है इसको मैं एक नोट पैड पे कॉपी कर लूंगा ये रहा पूरा कोड मेरे सामने ठीक है ये पूरा कोड आ गया मेरे सामने अब इस पूरे कोड में एक वैल्यू एक्स है ब्रैकेट्स के अंदर और एक वैल्यू वाई है वैल्यू वैल्यू value... अच्छा मैं कह रहा हूं रुके याद रखिएगा मैं फिर बता रहा हूं आप लोग को इसमें दो हैं। ओ, ओके आप लोग नोटपैड नहीं दे सकते चलिए मैंने ये कोड डाल दिया ये आप लोग अपने नोटपैड में डाल दें ठीक है इस पूरे कोड में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक एक्स वैल्यू है और फिर आगे वैल्यू करके वैल्यू वाई लिखी हुई है इन दोनों वैल्यूज की जगह हम एक्स की जगह एक नंबर डालेंगे और वाई की जगह एक वैल्यू डालेंगे अब वो वैल्यूज कहां से डालनी है मैं बताता हूं आप लोग को आप लोग जाएंगे शॉप के अंदर ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर है काफी सक्सेसफुल मशहूर ड्रॉप शिपिंग स्टोर है इस पे आप दबाएंगे पिक्सल हेल्पर पे पिक्सल हेल्पर पे दबाने के बाद आप देखेंगे कि यहां पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ होगा इनिशिएट चेकआउट पे आप उस पर क्लिक करेंगे उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा कॉन्टेंट आई कंटेंट आईडी के सामने जो पूरा नंबर है आप उसको कॉपी करेंगे और उसको कॉपी करने के बाद एक्स जो वैल्यू है ब्रैकेट्स को मत छेड़िएगा सिर्फ एक्स जो वैल्यू है उसके अंदर वो पूरी पेस्ट कर देंगे <laughs> पहली चीज तो यह हो गई अब वाई का क्या कर फिर से हम फेसबुक पिक्सल हेल्पर पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे जहां पर कॉन्टेंट Content ID लिखा हुआ है, उसके नीचे वैल्यू लिखा हुआ है उस value को को sure कि ये extra space ना आए, मुझे spaces नहीं चाहिए, सिर्फ value चाहिए सिर्फ value चाहिए। सिर्फ सिर्फ और और ऊपर भी यही, उस वाई की जगह एग्जैक्ट उसी पोजिशन पे मैं पेस्ट कर दूंगा अब वो जो पूरा कोड है मेरे सामने वो मैं एवरी में पेस्ट कर रहा हूँ इट लुक्स लाइक दिस ठीक है असल में वो थोड़ा सा जम्बल हो रहा होगा लेकिन एफ बी क्यू के बाद स्टार्ट हो रहा है नीचे वाला जो मेरा वो है सेकेंड पैराग्राफ एफ बी क्यू के बाद स्टार्ट हो रहा है वहां पे आप देख सकते हैं कंटेंट आईडी की जगह एक नंबर आ गया है और वैल्यू वैल्यू की जगह एक आ गई है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ नेक्स्ट स्टेप हमें ये बोल रहा है कि आपने गो बैक इन टू द शॉप राइट क्लिक ऑन द चेकआउट एंड क्लिक इंस्पेक्ट किसी भी एम्प्टी स्पेस में राइट right क्लिक करें इंस्पेक्ट दबाएं और इंस्पेक्ट करने के बाद कॉन्सोल में जाए एंड पेस्ट द कोड एंड प्रेस एंटर चले <coughs> <coughs> एक बात याद रखिएगा मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोग यहां पे देख सकते पे पे हो यहां पे पेज व्यू आ रहा है लिखा हुआ इनिशिएट चेकआउट आ रहा है और माइक्रो डेटा ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड आ रहे हैं ऐसे ही है ठीक है अब हम राइट right क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट करने के बाद हम कंसोल में जाएंगे और वैल्यू को पेस्ट करके एंटर दबा देंगे अब आपने क्या करा है मैं आप लोग को बताता हूं प्रॉबली काफी लोगों के लिए यहाँ पे माइंड बॉगलिंग होगा और यहां पे आप लोग ने कुछ एक नई चीज डिस्कवर करी है अबाउट फेसबुक एड जो आप लोग को पहले नहीं थी ठीक है मैं बताता हूं आप लोग को अब मैं वापस पे... अब मैं इसमें बेसिकली लिखता हूं अपनी ही स्लाइड में कि इस ये तरीका इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ या कहीं सर ने हम लोग को बेवकूफ तो नहीं बनाया कि अपनी तरफ से कोई तरीका उठा के लिए इसको वैलिडेट करने का तरीका यह है कि आप फेसबुक पिक्सल हेल्पर में जाएंगे वहां पे एक नई पैरामीटर एग्जीक्यूट हुआ है जिसका नाम है परचेस इवेंट और आप इंफॉर्मेशन में जाएंगे फेसबुक पिक्सल हेल्पर, हेल्पर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये देख लें जैसे इनिशिएट चेकआउट आया था वैसे यहां परचेस आ गया अब ये हुआ क्या है सवाल ये ये हमने करा क्या है और इससे हुआ क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूं ठीक है अब दो exactly, तो आपने सही बोला मैंने बेसिकली फेसबुक को बेवकूफ बनाया कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीद लिया और मैं इंटरेस्टेड हूं इस प्रोडक्ट में और अब फेसबुक मुझे इस तरह के बहुत सारे दूसरे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देगा ऐसे ही नहीं करते हैं देखें सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दू ये मेरा अपना फेसबुक आप ये देख सकते हैं ये MCBRF अभी की जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूं उसमें लाइफ टाइम स्पेंडिंग देख सकते हैं पिछले साल से अभी तक हमने एक लाख बीस हजार डॉलर खर्च कर दिए मैं खुद आर देता हूं इस अकाउंट uh, का ठीक है दिन की मेरी स्पेंडिंग जो होती है आप देख सकते हैं लास्ट uh, दो दिन में, yesterday. सिर्फ कल ही कल में एक हजार डॉलर हमने खर्च करें ठीक है प्रॉबली कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी कुछ लोगों के लिए लेकिन मेजोरिटी के लिए शायद हो बताने का मकसद ये मेरा काम है अगर अभी मैं यहां पे कोई इवेंट फायर करवाया है मैंने और अगर हाइको शॉप मेरी है और मैं ये एड चला रहा हूं हाइको शॉप का और मैं इस पर बेवकूफ बना के पिक्सल फायर करता हूं तो यहां पे मेरे पास वन काउंट हो जाएगा एड्स मैनेजर पे कि आपकी एक सेल आ गई है जबकि आपकी सेल नहीं आई होगी फेसबुक करता क्या है वो शायद आप लोग को पता होगा Uh, मैं भूल रहा हूं एक नेटफ्लिक्स पे द ग्रेट हैक के नाम से एक बहुत मशहूर डॉक्यूमेंट्री है मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग देखो ठीक है इट्स अ डॉक्यूमेंट्री और वो ये आपको बताते हैं कि फेसबुक और गूगल और बड़ी कंपनी किस तरह आप लोग का डेटा कलेक्ट कर रही हैं ठीक है ठीके? आप लोग क्या कर रहे हो कि आप फेसबुक को डेटा दे रहे हो दिखा रहे हो कि आप इंटरेस्टेड हो इन प्रोडक्ट्स के अंदर या ओवरऑल ड्रॉप शिपिंग के अंदर हैज इट एवर हैपन टू यू कि आप करीम इंस्टॉल करते हो आज और जैसे ही करीम इंस्टॉल करते हो या कोई सोशल ऐप इंस्टॉल करते हो कोई भी सोशल ऐप आप फेसबुक पे जाते हो और उसके कॉम्पेटिटर के एड्स आप लोग को दिखना शुरू हो जाते हैं बिकॉज इट्स टारगेटिंग राइट सो बेसिकली यहां पे भी यही हो रहा है एग्जैक्टली दे ट्रैक ईच एंड एवरी इवेंट दैट अकर्स ऑन योर साइट एंड देन बेसिकली उसके लिहाज से फिर आप लोग आपका बिहेवियर ट्रैक कर रहा होता है तो आप अपना बिहेवियर दे रहे हो फेसबुक को कि मैंने ये खरीद लिया प्रोडक्ट ठीक है अब होगा क्या आप इस तरह दो या तीन <laughs> ताकि पक्का काम हो दो से तीन अलग ड्रॉपशिपिंग साइट्स पे जाके ये करिएगा उसके बाद आप फेसबुक पे जाइएगा और फेसबुक होम पे जाइएगा और होम पे जाने के बाद आप क्लिक करिएगा फेसबुक टर्बो फाइंडर के ऊपर और इसको ऑन कर दीजिएगा ये करता है क्या है ये आपकी न्यूज फीड से क्लटर हटा देता है और सिर्फ और सिर्फ एड्स दिखाना शुरू कर देता है आपको ठीक है कार्टून ए फाइट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है ठीक है इसको छोड़ दें मैं बेसिकली और भी बहुत सारी चीजें सर्च कर रहा होता हूँ इसलिए मुझे ये आ रहा है नजर लेकिन अगर मैं कोई तीन बार करूंगा ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट अगेन देख सकते हैं आप लोग ठीक है नीचे सोशल प्रूफ वीक है मैं प्रोडक्ट के साथ ही जाऊंगा सही है एक और ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट ठीक है नीचे सोशल शो, प्रूफ अच्छा है टू थाउजेंड फोर हंड्रेड लाइक्स हंड्रेड कॉमेंट थ्री टेन सही है पोटेंशियल है जा सकते हैं इसके साथ टेस्ट डाल देंगे इसको शीट के ऊपर सही है टेस्टिंग कर सकते हैं हम इसके साथ सही नीचे चलते हैं ये छोड़ दें आप लोग फिर से एक और ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट 26,000 लाइक्स, 1,200 कमेंट्स, 5,000 शेयर्स। बहुत अच्छा ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है हो सकता है कि मेरे लिए भी इसमें कुछ ना कुछ जूस निकल पाए मैं इसको अपनी लिस्ट में डाल दूंगा ठीक है नेक्स्ट पे ऊपर आते हैं एक और ड्रॉपशिप सेवेंटीड फोर हंड्रेड कॉमेंट्स थाउजेंड शेयर बहुत अच्छा है एक रिंग है जो क्लो कर रही है वाव प्रोडक्ट है देख के कुछ अजीब सा लग रहा है ये किस तरह की रिंग है राइट right? डाल दूंगा मैं इसको अपने प्रोडक्ट हंटिंग के उसके अंदर ये नहीं है ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट एक और ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट पैंडा

इसके बाद यार ऑप्शन या देता है कि आप रिफ्रेश कर लो पता नहीं क्यों अभी नहीं दे रहा लेकिन मैं खुद से रिफ्रेश कर लेता अपनी फीड को अब नए एड्स नजर आएंगे आप लोग को एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा टाइम लगता है इसको एडजस्ट करने में <coughs> सिर्फ एड्स नजर आ रहे हैं आ एक और शिपिंग 84 likes, मैं इसको नहीं करूंगा एडवर्टाइज सही है एक और ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट ठीक है सही है आगे आ जाए एक के बाद एक एक के बाद एक थर्टी था सिक्स थाउजेंड लाइक फाइव थाउजेंड कॉमेंट्स नाइन थाउजेंड शेयर्स सही है मैंने आप लोग को बता दिया ठीक है um, मैं आप लोग से इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं बाकी सारे तरीके रिवील कर रहा हूंगा <coughs> um, आज का सेशन मैं अभी यहाँ पे रैप अप करूंगा प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट uh, करते हैं uh, पहले से कुछ तीन लोगों ने वो करा हुआ तो हम रैपअप करते हैं बस आज हमने तीन से चार चीजों के ऊपर पढ़ाए uh, हम लोग ने प्रोडक्ट रिसर्च क्यों जरूरी है और किस तरह के उनके जो है बेसिकली पॉइंट्स uh, होने चाहिए व्हेन वी आर गोइंग आउट इन द मार्केट तो हम लोग को क्या दिमाग में रखने चाहिए कि कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं इन कंसिडरेशन जब आप ले रहे हो ठीक है सेकेंड um, पॉइंट हमारा ये है प्रोडक्ट रिसर्च में कि प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद आपके कुछ प्रोडक्ट वैलिडेशन प्रोसेस आता है प्रोडक्ट रिसर्च के हमारे कोई सात आठ तरीके हैं जो हम डिस्कस करेंगे हो सकता है मैं ज्यादा करूं और जैसे जैसे नए मेथड्स आते रहेंगे दिस इज नॉट द ओनली मैथड मोर एंड सारे बहुत मजे के ठीक है उसके बाद फिर हम ये बात कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट रिसर्च के अलावा जो है <coughs> हम लोग जो है आ, किस तरह वैलिडेट कर सकते हैं कि अगर कोई एड हमें नजर आता है यूजिंग दिस वन प्रोडक्ट स्ट्रेटजी जो मैंने अभी डिस्कस करी कि वो अच्छा है बुरा है क्या हम उसके साथ जाएं या ना जाएं ठीक है एक और बल्कि मैं कर लेता हूं सही है दिस इज फेसबुक रिसर्च मेथड नंबर टू फेसबुक एड्स एंड इन्फो दिस इज एन अदर स्पाइंग वे एंड आई एम श्योर काफी लोगों को पता होगा ठीक है तो आप ये yes, रिसर्च है मैं बस आप लोगों को वैसे ही बता देता हूं आई थ्रू द स्लाइड्स ठीक है जी तो जब आपको कोई प्रोडक्ट लेट्स सपोज अच्छा नजर आए आप लोग बोलते हो मैंने देख लिया बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हम मुझे नजर आ गए एक ये नजर आ गया ऊपर और नजर आ गए ठीक है गुड हो गया लेकिन अगर अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई एक बंदा एक बंदा है एंड वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा जो है ना बहुत अच्छा सेल कर रहा है एक के बाद वो ड्रॉप शिपिंग का चीता हो गया पिछले पांच साल से ड्रॉप शिपिंग कर रहा है तो हम हमेशा क्या बात बोलते हैं कि एक बंदा मैंने आपको बोला था पहले आप रेप्लीकेट करना सीखें हर चीज में अगर एक बंदा अपने काम का इन स्लैंग लैंग्वेज बाप है तो सबसे पहले आप उसको कॉपी कर लो आप उसके तरीके कार के ऊपर चलना शुरू हो जाओ जो वो कर रहा है ठीक है जाओ उसका प्रोडक्ट स्टोर देखो उसने कैसे बनाया हुआ अगर वो इतनी सेल कर रहा है वो क्या कर रहा है जो आप कर सकते हो ठीक है ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है उसके अलावा क्या वो एक ही ऐड चला रहे क्या वो अपने एड से एक ही ऐड चला रहे मेक इट माइन ये जो स्टोर है ये और कितने एड्स चला रहे मुझे कैसे पता चले मुझे पता है कुछ लोगों को यहाँ पे जवाब पता होगा मुझे कैसे पता चले कि और ये कौन से स्टोर्स चला रहे हैं मुझे कैसे पता चले कि यहाँ पे और भी अगर कोई स्टोर है ये कौन सा स्टोर है लेकिया समथिंग ये और स्टोर और भी प्रोडक्ट चला रहे है मतलब अगर ये ड्रॉप शिपिंग का चीता है तो हो सकता है ये और भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट चला रहा हो आई लव दिस क्या पता ये और भी प्रोडक्ट चला रहा हो अच्छे सक्सेसफुल सही है मुझे कैसे पता चले कि ये और भी प्रोडक्ट्स चला रहा है इसका तरीका यह है कि जब आप लोग देखोगे किसी अच्छे बंदे को तो आप उसको पूरी तरह से जांचोगे पूरी तरह से आउट उसके पर करोगे पेजेस के पर राइट क्लिक करोगे अलग टैब में खोलोगे पेजेस को ले किया आई होप मुझे एक मिल जाए इसी नहीं तो मुझे काफी और आ, देखने पड़ेंगे मेक इट माइन ठीक है एक और कोई देख लेता हूं ताकि नहीं मुझे इस पर शक है यार क्या है हाँ तो शायद ये भी हो सकता है और ये भी चलो खोली लेता हूं ठीक है आप जाओगे राइट हैंड साइड पे बॉटम राइट पे पेज ट्रांसपेरेंसी पे पेज ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करोगे तो इसके इस पे तो कुछ नहीं चल रहा मेरे हाल से लेट मी जस्ट चेक लेट मी जस्ट गो थ्रू लेट मी चेक कि किसके ऊपर चल रहा है किस पे नहीं चल रहा पेज ट्रांसपेरेंसी हर पेज के ऊपर होती है हर पेज कितने एड्स चला रहे हैं, उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये चला रहे है ठीक है इसका देख लेते हैं ये तो चला ही रहा है <coughs> लेकिन कंट्रीज का मैं वो कर रहा हूं ये देख ले आप लोग ये सारे एड्स चला रहे ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के ठीक है लेकिन ये एक ही प्रोडक्ट है जो ये चला रहे हैं ठीक है तो हमने चलो इससे कुछ आइडिया ले लिया कि किस तरह हम उस तरफ जा सकते हैं ये तीन चला रहा है ये प्रोडक्ट क्या है? लेट मी चेक ये भी इसी के ऊपर है वेरियंट चला रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ठीक है स्किप दिस वन एज वेल ठीक है इसके ऊपर आते हैं क्योंकि मुझे अपनी एक जो पूरी फीड होती है ना जिसमें सारे एड्स नजर आते हैं यूजुअली मुझे दो कम कॉम्पेटिटर एक बेर मिनिमम वरना दो भी मुझे मिल जाते हैं जो और भी प्रोडक्ट्स चला रहे होते हैं अभी मुझे नहीं मिले शायद इत्तेफाक हो गया बहुत बड़ा कि अगर मुझे अभी ना मिले लेकिन यूजली नाइनटी ऑफ द टाइम एक कोई ना कोई बंदा जरूर मिल जाता है जो उसके अलावा एक और एड चला रहा होता है <coughs> किसी और प्रोडक्ट का तो वो टेस्टिंग कर रहा होता है हाइगो का तो मैं जानता हूं अच्छा सो मैं अभी आप लोग से बात कर रहा था मैंने इसका ये एड तो आप लोग को दिखाया भी नहीं है और आप लोग देख सकते हो कि ये कोई खास तरह के एंटी स्किड फास्ट बेयर फुट शूज भी शेयर कर रहा है जैसे मैंने आप लोग को बताया तो इससे आप लोग को और भी प्रोडक्ट्स पता चल गया ये देखिए साथ में कोई लाइट है वो भी रन कर रहा है सही है और क्या कर रहा है ये कोई वो है टेबल है मोसोम बैम्बू फोल्डेबल बेड डेस्क ठीक है ये भी कर रहा है ये कोई पेट से रिलेटेड आइटम भी कर रहे है सही है और आप लोग देख सकते हो काफी सारे प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं तो इसमें फिर और भी चीजें आ जाती हैं जो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा लेकिन ऑल एंड ऑल ये यहाँ पे मैं आप क्लोज करता हूँ इस टॉपिक को ठीक है अच्छा जी मैं अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा बिफोर आई कैन स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चन स्टार्ट योर प्रोडक्ट हंटिंग इस तरीके से कुछ निकालना शुरू कर दो चार पांच अगले सेशन से पहले जो है ना निकाल के रख लो दस निकाल के रख लो पंद्रह निकाल के रख लो हाथ साफ करो देखो दूसरे लोगों के स्टोर्स कैसे बने हुए हैं देखो कि उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं क्या होता है बाव फैक्टर ये सारी चीजें आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन भी गैदर करना स्टार्ट कर दो ठीक है ओके फर्स्ट वन इज मोतसमोतम एक सेकेंड शायद मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही

नहीं आ रही मुझे आवाज नहीं आ रही रुकेगा जी आप बोलिए मोतिशम हेलो कैन यू हेयर मी नाउ जी या आई कैन हेयर यू अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम बहुत ही अच्छा सेशन आई वाज ट्रूली वेटिंग फॉर इट और बहुत मुझे मजा आ रहा है ये शॉपिफाई का तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है देख के uh, और आप सिखा रहे भी एक्सट्रीमली जबरदस्त तरीके से वेरी गुड आई एम आई रियली एप्रिशिएट इट

ओके, ओके, सो जो फर्स्ट सेशन है वो अपलोड हो चुका है है मेरे ख्याल बिकॉज़ कुछ मुझसे बोला था कि वो 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 देख लिया उन्होंने फर्स्ट सेशन, सेशन जो सेकंड तो अब ये वाला, uh, वो कब आएगा अब कल परसों आएगा मुझे इसका पता नहीं लेकिन मैं ये जरूर मैसेज आके दे दूंगा कि अगर जल्दी से अपलोड करें तो अच्छा uh, yeah, चले मैं देख लूंगा. Uh, lastly, <coughs> मुझे पता है मेरी तरह और भी लोग होंगे जो बहुत खुश होंगे थैंक यू वेरी मच सर आई एम ग्लैड यार आई एम ग्लैड आई एम रियली थैंक यू वेरी मच आप खुश थैंक यू वेरी मच यू आर वेलकम जी जी हसन हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम मुईद भाई कैसे हैं खैरियत से वालेकुम सलाम बिल्कुल ठीक मुझे आपसे पूछना था कि क्या एक्चुअली ऐसा कुछ हो सकता है कि जिस तरह हम लोग पी वगैरह के लिए होता है कि हमारे अलग से ग्रुप बन जाते हैं जिसमें हम लोग मतलब आपसे पर्सनली तौर पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें या अगर ऐसा हो सकता है तो उसके लिए क्या कोई पे डेक्स वगैरह है जो हमें करने होंगे उसके बाद ये ग्रुप बनेंगे ऐसा कुछ सिस्टम है हमारे पास या जैसे जैसे इंटेंस होता जाएगा ना स्लोली स्लोली इन्फॉर्मेशन और टेक्निकलिटीज बढ़ती जाएंगी ना इसमें तो वो तो मैं तुम लोग को देता ही रहूंगा अब विद टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मैं तुम लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा एजुकेट करता रहूंगा अब अगर एक्सट्रीम जरूरत हुई तो मैं आउट ऑफ द वे जाके जाहिर सी बात है, जैसे मैंने अभी भी रिक्वेस्ट करा मैं करूंगा और फिर फिर से करूंगा लेकिन अगर एक चैनल है ना एक प्लेटफॉर्म का तो तुम समझ ही सकते हो कि आई रियली नीड टू रिस्पेक्ट दैट मैं अपनी चला नहीं सकता मुझे तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा जो मुझे दिया हुआ उसको तरीके भी सही दिए हुए उसका रीजन ये है कि मुझे बाद में बैठ के सोचा और मुझे समझाया गया सवाल छोड़ो मुझे मैं तुम लोग को पूरी कोशिश करूंगा थोड़ा सा लेट जवाब दे देता हूँ मैं लेकिन दे जरूर देता हूँ बिकॉज मेरे पास माशाला तीन सौ स्टूडेंट्स हो आप लोग और तीन सौ के अलावा मेरे पहले के स्टूडेंट्स भी मुझसे बार बार सवाल करते रहते तो मैं उनको भी अभी भी एंटरटेन करता हूँ

मतलब तुम लोग चाहो तो पांच भी निकालो लेकिन मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट नेक्स्ट सेशन से पहले पांच से दस प्रोडक्ट्स निकाल के तुम लोग बैठे हुए हो ठीक है ताकि वी कैन डिस्कस देम इफ नीडेड और एटलीस्ट तुम लोग हाँ हाथ साफ होते रहो मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे लिए ये है सही है जी हमजा हेलो हमसा ओके आई विल जस्ट ओके जी जी हेलो तो. जी आवाज आ रही कोई जी जी आ रही है अच्छा वो भी मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल हमने ये लाकिया क्या ये जो सामने ब्रांड खुला है इसका हमने एक प्रोडक्ट उठा लिया जो हमें लग रहा है कि अच्छा है इसको हमने अपने लिस्ट में ऐड कर लिया अब हमें इस एक कंपटीटर को देख के हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इसको चलाना या हमें जब इसको एक्चुअल यानी अपनी वेबसाइट पे हमें इसको मार्केट करना शुरू करना है तब हमें इसके मदीद कंपटीटर्स में ढूंढना पड़ेंगे सॉरी uh, आखिरी पार्ट आपका थोड़ा सा शायद मेरे इंटरनेट का इशू है मुझे सही से सुनाई तो नहीं दिया आखिरी पार्ट आप रिपीट कर देंगे अब uh, अ uh, हमने एक प्रोडक्ट चूज किया है लाकिया से ठीक है इसको हमने इधर से आइडिया हुआ इसकी सोशल प्रूफ बड़ा अच्छा था इसको हमने अपनी वेबसाइट पे ऐड किया जब ने इसको मार्केट करना शुरू करना है तो हमें इसके मजीद भी देखने हैं या एक को देख के हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि दिस इज अ गुड प्रोडक्ट तो देखें मैं आपको बताता हूँ जब आप रिसर्च करने जाओगे ना तो आप एक के बेसिस पे नहीं स्टार्ट कर सकते एडवर्टाइजिंग आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स करने पड़ेंगे बजट क्या होगा किस तरह लेके चलना है कब पता चले ले सपोज आप लोग ने एड्स चलाना शुरू करे कब एड किल करना है और कब एड को स्केल करना है ये सारे पॉइंटर्स मैं आप लोग को बताऊंगा ये बता दूंगा कि एक एट अ टाइम कितने प्रोडक्ट्स टेस्ट करने मैं आप लोग को बता देता हूं मैं मेरे जो पार्टनर है मार्क उसके साथ हम लोग हफ्ते में छह प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर रहे होते हैं छह से सात कभी पांच हो जाते हैं कभी सात लेकिन अब अराउंड दोज नंबर्स हर हफ्ते हम पांच से सात प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं अब मैं आई एम नॉट द द इन्वेस्टर इन्वेस्टर ही इज उसके पास जो है ना दस दस हजार डॉलर भी खर्च करने को है एक महीने में साफ बात है मेरे पास नहीं है इतना खर्च करने को मतलब ठीक है तो मैं मैंने जैसे बताया कि मेरा रिस्क ऐसा नहीं है तो मैंने पार्टनरशिप कर लिया क्यों क्योंकि मुझे ड्रॉप शिपिंग में मजा आता है आ, मुश्किल है ड्रॉप शिपिंग इसी वजह से और ज्यादा मजा आता है तो वही वाली बात है कि इफ यू फील कि नहीं यार मैं आपकी बात नहीं कर रहा जनरली सबसे बोल रहा हूँ अगर आपको लगता है कि नहीं यार ड्रॉप शिपिंग थोड़ा सा हार्ड हो सकता है तो मैंने आप लोगों को दो दो से तीन एरियाज और बता दिया आप उन टेक्निक्स को किसी और काम में यूज कर सकते हो ठीक है आपका कोई और स्टोर है मे बी कोई ऐसी टेक्निक आपको यहाँ पे नजर आए जो आप एमेजोन में यूज कर लो या कोई भी चीज सही है या आप उस टेक्निक को जो है ना क्या नाम है सेल करना स्टार्ट कर सकते हो जो आपने सीख ली है या तो फिर तीसरी अप्रोच ये कि ऑब्वियसली आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर लो जिसके पास पैसा बहुत है जो खर्च कर सकता है जो आप पे ट्रस्ट करता है सही है, और आप उसके साथ पार्टनर अप करके और आप सेल करना स्टार्ट कर दो तो एक्चुअली मैंने मैंने ना महीने पहले यानी जब बुटकैम्प ज्वाइन किया था ना बुट कैम्प ज्वाइन करते वक्त मैं मैंने मैंने यानी सबसे पहले अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर ओपन <laughs> किया था लेकिन थीक थीक तब मेरे पास इतनी गाइडेंस नहीं थी सब कुछ वो थोड़ी कमी थी इसलिए जो प्रोडक्ट हंटिंग मैंने की ना वो मैं अच्छी नहीं कर सका और उसकी वजह से मुझे ना वो स्टोर बंद करना पड़ा अच्छा अच्छा ओके इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था और ये सेशन उसके लिए मैं वो सारा फ्लैशबैक चल रहा था उसके लिए बहुत अच्छा सेशन लगा थैंक यू सो मच चलो आई एम ग्लैड यार बहुत अच्छी बात है थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू जी शकील अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छा सेशन था आपका और ए, दो तीन क्वेश्चन है सबसे पहले तो ये कि जब ड्रॉप शिपिंग करते हैं ठीक है हम प्रोडक्ट अच्छी मिल गई उसकी हमने लगा दी और प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया कितने परसेंटेज क्या परसेंटेज लेकिन एक जब हम एडवर्टाइज करते हैं तो क्या उसके लिए हमें क्यों क्योंकि मोस्टली जो आए वो उनकी इतनी स्किल्स नहीं है फेसबुक एड्स के बारे में और गूगल एड्स तो क्या हमें सबसे पहले है? वो लर्न करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग या या मैं इसका ओके ओके जी तो अच्छा आपने जिस तरह आपने किया है इधर शो किए हैं और इस तरह भी चल रहे होंगे इन प्रोडक्ट के अगेंस्ट तो आपको पर्सनली खुद कहां से रिजल्ट अच्छे मिला है? से, या किसी और प्लेटफॉर्म मुझे तीनों जगह से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मैंने फेसबुक एड भी करा है मैंने मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करी मैंने भी है गूगल एड्स भी चलाए हैं मुझे गूगल एड से भी बहुत फायदा मिला है मुझे ट्विटर 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 एड्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करी है उससे मुझे बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है ठीक है इन सब पे मैं ब्लू दूंगा ऐसा ब्लू दूंगा कि आप लोग बोलोगे कि इसने कोई एरिया छोड़ा ही नहीं समझाने का इतना डिटेल दूंगा इतन, बिल्कुल टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो गया आप लोग और आप लोग इतने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो गए कि अगर आप लोग ने इनशाला है, है इंडस्ट्री में तो मैं आप लोग को बता दूं जो लोग पेड मार्केटिंग जानते हैं जो पीपीसी है तो अगर ला ला आप साउंड हो अपने स्किल्स के साथ सही है और आपको सब कुछ पता है तो आप लोग जॉब के लिए भी अप्लाई करो मतलब मैं एक जनरल एक पॉइंट बता रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब अच्छी वो एक अलग बहस है मैं आपको बता रहा हूँ एक बात कि पेड मार्केटिंग की एक वैल्यू है वो जो मैं आप लोग को दूंगा इनशाला इनशाला आप लोग को पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेगी आप लोग खुश हो गए आप अच्छा आपका आपने भी शो किया था फेसबुक एड का वो रिपोर्ट शो की थी सामने तो मैंने पहले भी दो तीन लोगों की इस तरह रिपोर्ट देखी है जिसमें आ रहा था कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा था किसी का तीन डॉलर पॉइंट डॉलर दस डॉलर कास मतलब ये ये पर रिजल्ट मतलब कि सेल आपको इतने में पड़ी है जी जी बिल्कुल ऐसे ही है okay, to to question, आ, बार बार you, here, है है है।, ले 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 तो ठीक है, ठीक है ओके नाउ आई आई हैव टू टू प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बाद में बात करते हैं टोल्ड यू लिटिल बिट लेट ओवर हियर सही ठीक कोई नहीं आसिम हलो जी आसिम जी जी अच्छा आ, भाई बस ये, ये प्रोडक्ट हंटिंग तो आप माशाल्लाह से अच्छा पहला जो मेथड था दूसरा था उसको हम फॉलो करेंगे लेकिन इसकी बस मैं ये पूछ रहा हूँ ये रिलेवेंट तो शायद नहीं होगा लेकिन मैं सिर्फ कंटेंट का पूछ रहा हूँ कि इसकी कंपैरिजन शीट्स जो आपने अपनी शीट में बताई कि उसमें प्रॉफिट कितना होगा अगर हम क्लाइंट को दे या खुद लॉन्च करें या उसकी जो भी कॉस्टिंग है और प्रॉफिट कैलकुलेट वो आप बताएंगे आगे Uh, अगर आप मेरे पास से, एक्स्ट्रा सेशन करने में मुझे कोई मसला नहीं एक्स्ट्रा मैं तीन सेशन भी कर लूंगा एज अ गुड मतलब अगर मेरा पूरा टॉपिक खत्म हो हो जाता है और आप लोग ये बोलते कि सर जरा थोड़ा सा दो तीन और जो आप लोग आप कमा रहे हैं दूसरे सोर्सेज से जो लेस फॉर एग्जाम्पल अभी इसी में नहीं आए लेकिन आप थोड़ा सा उसके ऊपर लाइन डाल दें तो मैं खुशी खुशी डाल दूंगा मुझे कोई मसला नहीं फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है उसको हमें

शायद आप इस ग्रुप में नहीं है तो वो आ, अगर काइंडली आप इसमें आ जाए क्योंकि इस पे हमारी चलती कम्युनिकेशन चलती रहती है ओवरसीज का जितना भी है आई डोंट नो कि पाकिस्तान का कोई अलग है लेकिन ये ओवरसीज में तो हम है और उसमें काफी अच्छी डिस्कशन चलती है या जो प्रोग्रेस है वो वो मैंने मैसेज कर दिया मैंने मैसेज कर दिया होपफुली हो जाएगा चलिए थैंक यू थैंक यू जीएस का अस्सलाम सर

क्लाइंट यूजुअली एक्सेप्ट करता है अनलेस के उसको कोई प्रॉब्लम हो या उसको ये हो कि नहीं ये प्रोडक्ट सही नहीं है तो वो आपको रिविजन दे देता है ठीक है तो बस ये हमारा मतलब अकम्पलिश हो जाएगा टास्क हमने बस उसको ये बता दिया कि ये ये प्रोडक्ट है जो ही ही आपने है। बिल्कुल थैंक यू सो मच सर थैंक यू नो प्रॉब्लम जी उस्मान Uh, मेरे क्वेश्चन सब से सबसे पहले कि कि गुड सोशल प्रूफ क्या होता है है मतलब कितने लाइक्स कमेंट्स हम बता सकते हैं ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप अपने एक्सपीरियंस से बता दें। सॉरी मैं समझा नहीं। जैसे कि आप बता रहे थे uh, जब आपने कोई रेंज है लाइक्स की, की, की जिससे हम बता ये अच्छा है

मैं ये जो पूछ रहा हूँ कोई सकते रेंज हैं? नहीं है नहीं दोस्त रेंज नहीं है आपकी बेसिकली समझो व्हिच हैज शेयर्स अगर पांच सौ से ऊपर है तो इसका मतलब वो बंदा इज अ गुड वेरी गुड चांस के वो प्रोडक्ट अच्छी चल रही है उसके लिए अगर थाउजेंड से ऊपर है तब तो तकरीबन हंड्रेड परसेंट चांस के वो अच्छी चल रही है क्योंकि मैं आप लोग को एक टेक्निक और बताऊंगा और शेयर आते कैसे हैं। होगा है, ठीक हो है इसके अलावा एक और क्वेश्चन को है कि जैसे कि आपने पर जाके ट्रांस <laughs> पेज ट्रांसपेरेंसी में देखा था कौन कौन सी एड्स चल रही है हम उसमें ऐसा कर सकते हैं देख सकते कि इन्होंने कौन सी ऑडियंस टा, को टारगेट किया हुआ कि उनकी सेटिंग्स कैसी है इसमें ये नहीं देख सकते लेकिन उसके ऊपर भी मैं आऊंगा मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ पाकिस्तान में अभी तक फेसबुक ने सिर्फ तीन या चार सेशन करे हैं ऑफिशियली ठीक है गूगल ऑफ गूगल ने तो करता रहा ऑन एंड ऑफ लेकिन फेसबुक के तीन चार सेशन हुए हैं ऑफिशियल सिर्फ फेसबुक की तरफ से सही है उसमें से पचास लोग से लेकर ढाई लोग आते हैं इससे ज्यादा नहीं आते हैं। ए, उन, इन्वाइट ओनली होता है वो मेरियट वगैरह में सही है हो सकता है कि शायद इस्लामाबाद लाहौर में हुआ लेकिन मुझे यहाँ का पता है यहाँ पे सिर्फ तीन या चार सेशन हुए है मैंने कोई भी सेशन आज तक मिस नहीं करा मुझे इन साइड आउट उनकी सारी चीजें पता है ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते क्योंकि जो लड़का है जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो हम लोग को इन बताता रहता है सही है जिनकी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होती है ना पागलों की तरह फेसबुक उनसे इनसाइट इनसाइट्स भी शेयर करता है पर्सनल वो चीजें जो आप नॉर्मल पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं होती ठीक है

क्योंकि मैं यहाँ पे मैं कोई बात बोलूंगा ना एकदम सब लोग शायद खरीद लें जाके कुछ शुरू कर दें कुछ हो जाए हाँ और हो सकता है उससे रिलेटेड सवाल शुरू हो जाए तो मैं अभी इस वजह से शेयर नहीं कर रहा नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ टूल बता दूंगा क्या है ओके आई अंडरस्टैंड थैंक जी 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 मुझे आ रही है। जी जी सर मुझे ये पूछना था अच्छा सर मुझे बस कुछ ये पूछना था कि ये सारे शिपिंग के बिजनेस में क्या आप सिंगल हैंडेडली इसको मैनेज कर सकते हैं या आपको वीए की जरूरत पड़ती है स्टार्ट में या कुछ टाइम बाद अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे और आप सिर्फ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आप कर सकते हो लेकिन आप ड्रॉप शिपिंग को एस साइड बिजनेस नहीं लेकर चल सकते अगर आप चाहते हो कि इसमें से रिजल्ट हाँ, अकेले आ सकते हैं तीन सौ के प्रॉफिट मार्जिन स्कोर कर सकते हो अकेले भी कर सकते हो ठीक है लेकिन आपको फिर दिन में एटलीस्ट तीन घंटे जरूर देना है दो से तीन घंटे लेकिन अगर आप बड़े प्रॉफिट मार्जिन की तरफ जाना चाह रहे हो तो फिर तो अगर आप साथ में जी जी बोले बोले अच्छा तो जी सर अगर आप साथ में लेट से अपना अमेजोन का पीएल या अमेजोन का होल सेल भी आप चला रहे हैं और आप बाकी क्यूटीज़ भी कर रहे हैं तो फिर आप रेकमेंड करते हैं कि वीए को हायर किया जाए बिल्कुल किया जाए ठीक अच्छा सर आपने आ, 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 सोशल मीडिया के एड्स की ब्लूप्रिंट की बात की थी तो वो आ, हमें किस सेशन तक मिलेंगे वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ यार कि अगर हमें ना जैसे ऑलरेडी इन प्रोसेस नॉट एग्जैक्टली ड्रॉप शिपिंग फिर एमेजोन हो गया पी एमेजोन पी हो गया शॉपिफाई हो गया बाकी हाँ बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात तो वो मैं जो ना मतलब मेरे ख्याल से इससे आज से आज के बाद जो नेक्स्ट थर्ड या थर्ड सेशन या फोर्थ सेशन होगा उसमें आएगा फेसबुक एड्स और फिर उसके फॉरन बाद गूगल एड्स ठीक yes. है सर बस मुझे ये पूछना था थैंक यू सो मच थैंक यू सर जी शारिक अस्सलाम वालेकुम सर वंसलाम सर शॉपिफाई स्टोर खोलने के लिए क्या उसी तरह अमेज़न की तरह हमें वीपीएन यूज करने पड़ेंगे या मुझे पाकिस्तानी आईडी वहां पे अलो है सॉरी

हम ब्रांड आपने जो फाइंड की तो आपने देखते ही उसको बता दिया कि हाउ है।, है, है।, तो है ना कि मुझे पता चले मजीद और कर कैसे एक फीलिंग है कि ड्रॉप शिपिंग है लेकिन कंफर्म कैसे करूं कि ड्रॉप शिपिंग है कि नहीं है उसके लिए एक एक्सटेंशन है वो आप इंस्टॉल कर लें जिसका नाम है अली एक्सप्रेस सर्च इमेज अब इसका यूज मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जी yes, yes, सर no uh, मैंने मैंने ये कंफर्म करना था मैंने आपके लास्ट दोनों सेशन देखे थे शॉपिफाई के भी और वो जो एमेजोन एफिलेट मार्केटिंग मैंने पूछा था कि क्या हम कोई ऐसी जिसमें हम इन दोनों चीजों को Uh, एक साथ ही कंटिन्यू कर सके या दोनों के लिए अलग अलग ही वेबसाइट क्रिएट करनी होती है uh, um, दोनों चीजों के लिए अलग अलग साइट्स क्रिएट करनी होती हैं। वेल आई वुड से डेफिनेटली दोनों चीजों के लिए अलग खड़ी करनी पड़ती है लेकिन मैं अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक सेशन रख लूंगा जिसमें नहीं यार बल्कि इसमें कोई सेशन रखने का फायदा नहीं है लेकिन मैं आप लोग को शॉपिफाई फाईसीओ जरूर सिखा दूंगा कि अगर आप लोग ने अपने ही प्रोडक्ट्स की एस करनी है तो कैसे कर सकते हैं वो सारी बात जरूर बता दूंगा एक साथ दोनों को कर लेके चलना आई I मीन mean, एक ही प्लेटफॉर्म पे मुश्किल है अलग 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 लेके चल सकते हैं जैसे स्टार्टिंग में आपने शॉपिफाई के सेशन में वो कॉमर्स और इसका दोनों का कंपैरिजन बताया था तो अगर हम जी, कोई कॉमर्स की वर्डप्रेस पे ही कोई साइट बना ले और उसमें हम ब्लॉग्स भी अपडेट करते रहे के लिए और साथ हम अगर अपनी प्रोडक्ट भी सेल करते रहे शॉपिफाई नहीं 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 मैं रिकमेंड नहीं करूंगा मैं वैसे एक ऐसी शॉप को जानता हूं जिसने कराए और उसको सेल्स भी आ रही थी मतलब आप करना चाहे कर सकते हैं ये मेरी रिकमेंडेशन है नहीं करें क्योंकि वो थोड़ा सा ना वो खिचड़ी बन जाती है अनलेस के पास आपके पास टीम है और फिर ये दो अलग कोर्स हो गए आपके एक कोर एक टीम बनाई एक, एक टीम का कोर होगा कि वो शॉप वाला एस्पेक्ट को संभाले और एक टीम का काम होगा कि वो पूरे मतलब टीम से मतलब ये नहीं कि मैं दस लोगों की बात करूं टीम में तो सिर्फ दो लोग भी हो सकते हैं और तीन लोग भी हो सकते हैं ठीक है दी। लेकिन फिर ये है कि फिर दोनों को बहुत अलग रख के चलना होगा और मैं एक ऐसी शॉप जानता हूँ जिसने प्रॉपरली ये काम करा भी है और अच्छा काम करा है उसने लेकिन मैं मेरी मतलब मैं पर्सनली ना थोड़ा सा मुझे पर्सनल मैं अपनी बात करूं मुझे उलझन होगी शायद कि यार ये क्या हो रहा है मतलब सही है तो इस वजह से हाँ एक तरीका नहीं बल्कि नहीं एमेजोन एफिलियट्स के साथ नहीं मैं मैं नहीं रेकमेंड करता ठीक चलें ठीक है और इसके लिए मुझे ये भी कंफर्म करना था कि जैसे अभी ये प्रोडक्ट्स हम देखते हैं और जब हम इनको अपनी वेबसाइट पे मार्केटिंग करेंगे तो इनके जो पिक्चर्स होती हैं वो हम जो है वैसे ही इंटरनेट से या जिन्होंने ऑलरेडी वो प्रोडक्ट डिस्प्ले किया वही उठा के अपलोड करेंगे या इनका कुछ होता है कि हमने ये जब हम मेरा शॉपिफाई शॉपिफाई वाला सेशन आएगा ना तो उसमें आप खुद समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके सवाल का जवाब हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली चलें ठीक है ओके थैंक यू ख ये कहाँ से अवेलेबल होंगी ये स्लाइड्स कहाँ से अवेलेबल होंगी ये स्लाइड्स जो हैं ये आपको भी आपके बीबीसी पे आई थिंक हो जाएंगी मैं असल में खुद नया हूँ यहाँ पे सॉरी टू से मैं इसकी मुझे पता हो जाना चाहिए था लेकिन मैं असल में मैं आप चले आप लोगों को बता देता हूँ कुछ अभी दे दे मैं इसलिए अभी चैनल से इसलिए कनेक्ट नहीं हुआ हूँ थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड मैं इसलिए चल रहा हूँ दो जगहों पे जहां जगह ट्रेनिंग दे रहा था ना वहां से मैंने मैंने रिजाइन करे और ऑफिशियली ज्वाइन करे तो मेरी हफ्ते में आठ क्लासेस होती है एट क्लासेज डिस्पाइट के मैं जॉब भी कर रहा हूँ और अपने बाकी काम भी कर रहा हूँ तो मैं क्योंकि बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो जाता हूँ तो मैं अभी बहुत सारी चीजों में सही से इन्वॉल्व नहीं हो पाया हूँ जो मैं होना चाह रहा हूँ

आपकी स्लाइड्स को देखकर ओके okay, और दूसरा okay. मेरा एक आज से आज के सेशन से रिलेटेड से एक क्वेश्चन था कि जो इन्फॉर्मेशन हम विनिंग प्रोडक्ट की विनिंग प्रोडक्ट हम को सर्च करते हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन कौन सी हम अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे कीवर्ड उसको सेंड करेंगे या सेम एड उसको सेंड कर देंगे um, अगर मैं आपकी जगह तो आप क्या बोल रहे हैं सॉरी क्या आप कीवर्ड सेंड कर क्या

जी बिल्कुल हमें शेयर कीजिएगा हम तो बड़े इंटरेस्टेड हैं लाइव मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूं ओके देन ओके थैंक यू जी सकलेन आसामी को मैम सलाम कैसे हो आयुष भाई आयुष भाई एक्चुअली मैं बी का स्टूडेंट भी हूँ हमारा ना ए, एक ए, ए, स्टोर है ऑनलाइन मेरा गोरे के साथ पार्टनर है और हमारा वेयर हाउस है प्रॉपर यूएसए में तो हम केमिकल का स्टोर है शॉपिफाई के ऊपर ही तो आ, हमारी आ, वो जो स्टोर है वो एक्चुअली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है क्लीनिंग की एसेसरीज है और उसके केमिकल्स है तो okay. वो जी फिजिकल स्टोर भी है और उसके साथ हम ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं तो कभी उधर एक्चुअली क्वेश्चन ये है, है कि हम, हम, तो, uh, हम सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड्स के जरिए ही मार्केटिंग करें अपना बजट बढ़ा दें या फिर दूसरे वेस भी देखें कि हम एस भी करें गूगल एड्स भी करें बेटर वे क्या होगा कि हम अपने सेल्स में जो है ना सेल्स uh, को step, uh, कर ले. आपकी जगह होता तो फेसबुक और गूगल दोनों पे अच्छा बजट लगाता लेकिन आज थोड़ा मैं ये जरूर देखता है कि कहां पे मेरी सेल ज्यादा अच्छी हो रही है डिस्प्ले एड्स गुगल के ट्रैक चेक करता मैं एस सी एम सर्च इंजन मार्केटिंग करता मैं ठीक है आ, अगर आपका कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट है जी जी नहीं सर एक्चुअली uh, मैंने बताया uh, और श्योर बट आई गूगल शॉपिंग अबाउट इट तो sure, मे sure, बी तो ये उधर भी जाए मे बी सेइंग मे बी लेकिन एस सी एम और डिस्प्ले एड्स यूज कर सकते हैं आप यूटिलाइज गूगल एड्स के उसके फेसबुक पे कर सकते हैं फेसबुक पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी में आप तो लोग शेयर करूंगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा की हाउ डू गो अबाउट इट

या हमारी इन्वॉल्वमेंट इसमें जैसे आप तो माशा काफी नॉलेज है आपको तो ये इस लेवल की नॉलेज होना जरूरी है या हम एज साइड के तौर साइड बिजनेस के तौर पर एज इन्वेस्टमेंट इसको चला सकते हैं साइड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या आप इसको चला सकते हैं नहीं चला सकते आप बिल्कुल चला सकते हैं इसमें दो तरह की स्ट्रेटजीज है आप ऑटोमेट भी करवा सकते हैं और आप अकेले भी चला सकते हैं अगर आप अकेले चला रहे हो तो मैं बोलूंगा एटलीस्ट रोज दो घंटे दो रोज एटलीस्ट दो ढाई घंटे दे दो यूजली वो दो घंटे जब शुरू में स्टेबल करने में शॉप में ज्यादा टाइम लगेगा एक बार स्टेबल हो जाएगी तो फिर हफ्ते में हो सकता है कि आपके टोटल रोज दो घंटे की जगह हो सकता है आपके रोज के सिर्फ एक घंटा लगे सही है फिर वीकेंड्स पे हो, आप ज्यादा टाइम लगा दो बजाय वीकडेज के वीक

ऑटोमेट ठीक है सर थैंक यू बिल्कुल बस वही जो एग्जैक्ट जी जासिम अह अस्सलाम वालेकुम वेस्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में आपने जो ये मेथड्स बताए हैं जो प्लगइन्स वगैरह यूज करके तो वो अगर हम करें तो और आपके साथ शेयर करें तो आप वैलिडेट कर सकते हैं इंशाल्लाह मैं करूँगा मैं मैंने यही अभी नियत रखी हुई है आ, मैंने अभी और ज़्यादा बात करनी है अभी सनी भाई से भी और बाकी टीम मेंबर्स से कि मैं अगर प्रॉपर वैलिडेशन आप लोग की करवाना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट्स की अगर आप लोग के पास प्रोडक्ट्स हैं तो वो उसके थ्रू मैं करवा करवाऊँ प्रोसेस एक किसका रख लें जिसमें हम करते रहें आप लोग के लिए अच्छा और आ, आ, दूसरा ये कि Uh, क्या यही है? हम uh, आउटसोर्स कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग आउटसोर्स कर सकते हैं और अगर तो तो hmm. uh, तो आप ये कर सकते हैं एक पक्का ऐसा वी उठा ले, तो थ्री सिक्सटी डिग्री हर चीज को जानता हूँ जैसे कि मुझे मेरा जो पार्टनर है लेकिन बहरहाल वो मुझे बहुत ज्यादा दे रहा है वो मुझे नाइन हंड्रेड डॉलर पर मंथ देता है पाकिस्तानी एक देता है वो। सही है। और मैं उसका प्रॉफिट भी दे रहा है वो तो बोल रहा था तीस परसेंट ले लो मैंने बोला भाई पागल हो गए हो क्या लेकिन ऐसा नहीं ये बहुत मैं नहीं बोलूंगा मतलब मैं खुद करने जाऊंगा तो मैं नहीं करूंगा ऐसे मैं बोलूँगा एक बी ए रखूंगा जो थ्री सिक्सटी डिग्री सब कुछ जानता होगा मैं उसको थ्री फिफ्टी टू

Okay. Thank you very much, or uh, Moiz, I just want to reiterate that your session was amazing. Thank you so much, dear. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Moiz. G Imran. I was trying today from your session, I realized that um, the social media of different platforms are. उसके इनसाइट्स के लिए भी अगर कोई सेशन आप स्केड्यूल करवा दें तो दैट विल बी हाईली एप्रिशिएटेड और सेकेंडली okay. आपने ये बात की कि ये मैरियट में इन लोगों के वंस और ट्वाइस फ्यू टाइम्स इन अ ये लोग आते हैं और की पॉइंट्स और इनसाइट्स दे दें तो उसके इंफॉर्मेशन हाउ कैन आई गेट दैट इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट इमरान असल में आ, ये जो होते हैं ना सेशंस ये होते हैं That mostly depends on, अगर आप एजेंसी हो बहुत बड़ी या तो अगर आपकी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है जैसे कि मैं आप लोग को अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो आप लोग ने मैं तकरीबन मेजोरिटी लोगों की बात कर रहा हूं सबकी नहीं कर रहा मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं खास से हंड्रेड परसेंट या नाइनटी नाइन परसेंट लोगों ने ये चीज पहले नहीं देखी होगी जो अभी मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ आप लोग अपने फेसबुक एड्स में अपना कार्ड लगाते हो ना क्रेडिट कार्ड राइट है आई डोंट नो व्हाट दिस इज बहरहाल तो आप लोग ने ये नहीं देखा होगा कभी फेसबुक क्रेडिट लाइन फेसबुक हमें हर महीने तीस हजार डॉलर देता है कि स्पेंड करो आप देख सकते हैं हमारा ड्यू कितना है ये फेसबुक के कार्ड फेसबुक की क्रेडिट लाइन है जो हमें मिली भी है हमारा क्रेडिट कार्ड नहीं है ये फेसबुक वालों ने हम लोग को क्रेडिट लाइन दी हुई है कि खर्च करो अच्छा ठीक है <laughs> जी अगर आपकी स्पेंडिंग मंथ मंथ से ऊपर की है तो फेसबुक अगर हम अगर महीने में थर्टी थाउजेंड यूटिलाईज करने शुरू कर देंगे ना जो उन्होंने हमें दी हुई है तो फेसबुक उसको उठा के एक लाख डॉलर पे ले जाएगा फिर बोलेगा करो एक लाख डॉलर खर्च सही ठीक अच्छा। तो, है मतलब uh, message...

तो क्योंकि उनकी एडवर्टाइजिंग टीम होती है तो वो उनको सिर्फ अलाउ करती है कि सही है इस कंपनी से इनका जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है वो आ जाए तो आप ये सोचो कि मेरा मार्केटिंग हेड भी इनवाइटेड नहीं होता uh, उसकी भी हम मतलब वो बोलते हैं जो प्योर पीपीसी कर रहे हैं या पेड एड्स चला रहे हैं होता है यूजली वो हो जाता है बिकॉज ही इज द मार्केटिंग हेड राइट तो वो तो हो जाता है एट्टी टू नाइनटी ऑफ द टाइम

मैं आपको ये बता सकता हूँ आपका सवाल जो ज्यादा वैलिड है ना वो ये होना चाहिए कि मुझे अगर उनकी टीम में शुमार होना है उस ढाई सौ लोगों में तो मुझे अपनी स्पेंडिंग कितनी बढ़ानी होगी मुझे अपने साथ एक मेरी ना हर हफ्ते कॉन कॉल होती है फेसबुक के डिपार्टमेंट से रोज जरूरी है मेरी हर हफ्ते एक सेशन होता है फेसबुक वालों से और वो मुझे बताते हैं कि आप अपनी कैंपेन्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ठीक है ठीके? और मतलब ये सारी चीजें मेरी बैक एंड फोर्थ सेशन होते हैं ठीक है तो क्या नाम है आप ये अगर मुझसे पूछें फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रेडिट लाइन लेनी है कैसे लू सही है, मैंने ये पेज अपना ये अब ब्लू टिक्स इन्होंने पाकिस्तान के लिए मना कर दिए हैं पुराने जो हो गए सो हो गए लेकिन अब ब्लू टिक्स रिसेंट महीने भर पहले हम मैनेजर ने दिलवाए अपनी एम सी बी आरिफ अबीब को ये देख रहे हैं आप तो ये अच्छा अच्छा। तो मैं समझ गया सही, सही है तो ये तीन चार चीजें जो है ये कैसे होती है और हम कैसे इसमें आ सकते हैं करने को ना तो ये आपका ज्यादा वैलिड क्वेश्चन है इसके लिए आप मुझे बताएं अगर आपकी आपको लगता है आप टेन थाउजेंड डॉलर से ऊपर की स्पेंडिंग कर सकते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका वो मैं बताऊंगा फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है अगर आपको ब्लू टिक चाहिए फिर वो बताऊंगा तो सो एंड सो फोर्थ अच्छा दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन आई थिंक मेरे ख्याल नॉट

yeah. नहीं मैं इनशाला मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ मैं ऐसा कर लूँ जिसमें आप सबको फायदा हो जाए और कुछ ऑफ द रैकेट भी हम लोग कुछ सीख लें चलो ठीक है थैंक यू सो मच अप्रिशिएटेड थैंक यू यू वेलकम जी सारा <laughs> अस्सलाम <laughs> सलाम अच्छा सबसे पहले तो ये कि बहुत ज्यादा शुक्रिया आपके सेशन बहुत ही ज्यादा औसम है इसमें कोई बात नहीं है, और बहुत है। तो मुझे एक, मेरे दो है। एक तो वह तो मैं, तो वैसे आप कह चुके हैं कि आप टीम से डिस्कस करेंगे लेकिन काइंडली थोड़ा सा इसका एग्जैक्ट नेक्स्ट सेशन में डिफरेंस बताइएगा कि ड्रॉप शिपिंग के लिए और पी के लिए प्रोडक्ट चूज करते हुए क्या डिफरेंस होना चाहिए कहीं हम सेम चीज सारा मेरा ना असल में अब आ, आ, मैं आपको बताता हूँ मेरा इसी में आने के दो इंटरेस्ट थे एक तो माशाल्लाह सनी भाई हिमसेल्फ mm. सही है वो तो प्रॉब्ली सब ही इज अमेजिंग इंस्पिरेशन सेकंड मैंने प्रॉब्ली हर डिजिटल मॉडल mm. के ऊपर कूद के मैंने कमा लिया और वो भी प्रॉफिट में वो भले यूट्यूब mm. पे वीडियोस बनाना हो गूगल एडसेंस चलाना हो सही है, वो भले ई कॉमर्स mm. शिपिंग हो, most of the models मैंने कहीं कही ना कहीं टच करके उससे प्रॉफिटेबिलिटी में कमा लिया मैंने सिवाय Amazon के Amazon का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और मैं मुझे एक मेरा मेन इंटरेस्ट जो है ना वो ये कि मुझे यहाँ की टीम से जो है अमेजोन सीखना है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मैं स्केलेबिलिटी ले आऊंगा काम में लेकिन मुझे वो एस्पेक्ट जरूर सीखना है मुझे, पता है जो स्किल्स मैंने ली हैं, मुझे नहीं पता जैसे आपने मुझसे पूछा ना कि में क्या हो सकता है क्या तो जो स्किल्स मैंने सीखी हुई है वो एमेजोन में मैं किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ तो वो मैं अगर ये हो सकता है कि इनशाला अगले छह महीने आठ महीने में सीख लेता हूँ अमेजोन का सब कुछ ए तो फिर मैं आप लोग को बता दूंगा और सकते हम बात करते हैं ठीक है इसकी बेस वो डिजिटल मार्केटिंग है तो अब जैसे कि मैं में, I'm really interested आपके के बाद, तो अगर मैं आपके लेक्चर को पूरा फॉलो भी कर लूँ और फिर मैं खुद ही वेबसाइट भी बनाऊ वर्ड प्रेस पे और

तो मैं जो ना वो वाला बंदा रहा हूँ जो ग्राउंड अप आया मतलब जिसने टेक्निकली ये सारी चीजें खुद से सीखी है और इम्प्लीमेंट करके जो ना कमाए हैं तो मैंने दोनों एरिया चके हुए तो मैं ये चाहूंगा कि मैं ये चीजें आप लोग को पास ऑन करूं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुद से इसी से कि मैं इसकी भी वीडियोस बना के लाइव सेशन भी करूँ और वीबीसी में भी डलवाऊँ लेकिन प्रोबेबली थोड़ा जल्दी नहीं होगा लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी मैं करवाऊँ जरूर क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये है कि आ, मेरी क्या मैं ये शॉपिफाई भी शुरू कर दूं लेकिन उसमें जरा छोटी छोटी जिस तरह आप चीजें बता रहे हैं तो जो लोग तो वाकिफ हैं डिजिटल मार्केटिंग और इस सारे ए, ए, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग से उनके लिए तो इतना मुश्किल नहीं होगा लेकिन जिनके बेस नहीं है हमारे जैसे लोगों की हम स्टोर तो शुरू कर लें प्रोडक्ट हंटिंग भी कर लें लेकिन इसके आगे टेक्निकलिटीज में फंस जाए तो क्या यही था मुझे कि मैं किसी और को इसी जो मुझे कोई मसला नहीं अगर आप लोग तो मेरे पीछे पढ़ते हैं बिल्कुल पढ़ जाए कोई आप तीन लोग भी पढ़ जाए मेरे पीछे की भाई मुझे जैना ये करवा के तो वो करवा के तो बिल्कुल करो मुझे मसला नहीं लेकिन ईसी के चैनल्स के लिहाज से क्योंकि मुझे इनके रूल्स फॉलो करने अगर अगर मेरा मेरा मैं मैं एक जनरली बात कह रहा हूं, मैं अगर मेरा होता तो मैं मैं सही इसके कुछ रूल्स ब्रेक कर कर देता मैं बोलता भाई कर लो लेकिन मुझे भी फॉलो और लाइक uh, like, आप आप वन-वन की उस की स्टूडेंट स्टूडेंट हैं हैं या बीसी बीसी नहीं student? मैं की हूं। है, तो मतलब मुझे <laughs> <बग भी laughs> बहुत शुक्रिया आपकी इस चीज से एक्चुअली मोटिवेशन मिलती है वरना बंदा थोड़ा हेजिटेट कर जाता है और लास्ट चीज मेरा क्वेश्चन है कि हम अपने स्टोर के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस करें या दो तीन प्रोडक्ट अपने जितने मर्जी प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पर रख सकते हैं आप चाहे तो सो so, ये भी एक वो सवाल है जो कि मेरी नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में आपका इसका सवाल का जवाब मिल जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है Okay. So आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज की मुझे, <coughs> मुझे इजाज़त दे दो कि मैं चला जाऊं जबकि यहाँ पे कुछ तो मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट लोग भी है वसीमता हैं इनसे मैं हमेशा जबकि नेक्स्ट इन लाइन है <laughs> जिनसे मैं सवाल लेता हूँ सही है तो मुझे बात करनी है आप बाकी चार लोग जो है मैं लिख रहा हूँ अपने पास यहाँ पे शीट में ठीक है इन लोगों से मैं नेक्स्ट टाइम सबसे पहले सवाल लूंगा वसीम ताहिर शोएब सैय एंड उस्मान अली मान अली एंड तलाल सही है शब्बीर अल सही शब्बीर हो गए अनीक हो जुनेद हो गए, गए, अभी तो इतने सवाल नहीं थे एक कम से एक सारे लोगों ने हैंड रेस कर दिया ये तो कोई बात नहीं हुई मैं बस तलाल तक ले रहा हूं मुझे याद है तलाल आखिरी था मैं बाकी लोगों से नॉर्मल लूंगा चलो सही है आ, आप लोग से फिर इनशाला मिलता हूं मैं ठीक है बात करते हैं फिर इनशाला अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा मेरा मैं असल में यहाँ पे नया हूं आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर तुम लोग मुझे ई सी के प्लेटफॉर्म uh, पे फीडबैक दो बुरा दो अच्छा दो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता बुरा दोगे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा अच्छा दोगे तो आईड बी हैप्पी एंड इससे जो है ना बेसिकली मुझे बस ये होगा कि मैं खुद कैसा परफॉर्म कर रहा हूं बिकॉज आई एम रियली पुटिंग ऑल माई एफर्ट